नमस्कार दोस्तों, मोदी वर्सेस इंडिया, इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन, और मोदी नाम ही काफ़ी है। हाथी के पैर में सबका पैर जैसे होता है, इसलिए मोदी नाम केवलम, और मोदी मतलब एनडीए गठबंधन, सबसे बड़ा चेहरा, सत्ताधारी दल, दो बार लगातार चुनाव जीते, तीसरी बार की दावेदारी और इस नारे के साथ कि अभी अब की बार 400 पार, और इंडिया गठबंधन, और इन सब के बीच लोकसभा चुनाव में क्या होगा। और हमारे साथ खास मेहमान योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी कई सालों तक सेफोलॉजी करते रहे और बहुत बारीकी से चुनावी नतीजों को, चुनावी समीकरण को, जातीय राजनीति को, स्थानीय फैक्टर को, और वोट शेयर सीट में कैसे तब्दील होता है, इन सब आंकड़ों पर बारीक नज़र रखते रहे। लेकिन बीते कुछ सालों से ये छोड़कर आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और ये सब हो गए, तो इसलिए पहले आप एक राइडर देते हैं कि मैं सेफोलॉजी अब नहीं करता हूँ। देखिए, एक तो वैसे भी मैंने कहा 2012 के बाद, 2012 में छोड़ दिया था उसने ये कह के कि भैया कान पकड़े, बस अब आगे से और नहीं, अच्छी भविष्यवाणी हो गई थी उत्तर प्रदेश की, फिर छोड़ दिया था। तो एक तो यूँ भी मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, भविष्य बनाने का छोटा मोटा काम करता हूँ, बताने का नहीं। और वैसे भी अजीत भाई, ये जो 2024 का चुनाव है, इसमें खाली बैठ के मुनीमगिरी करने का फ़ायदा नहीं, ये हमारे बच्चों के भविष्य, इस देश का भविष्य बनाने का चुनाव है। तो गणित में रुचि है, लेकिन खाली गणित करूं और स्कोरर की भूमिका मैच में निभाऊं, वो कोई उद्देश्य नहीं। तो इसीलिए मैंने योगेंद्र जी से आग्रह किया कि चुनाव में अब चुकी गिनती के दिन बच गए हैं, 19 अप्रैल को पहले दौर का चुनाव है, और उसके बाद 4 जून को देश में नई सरकार, जो भी सरकार होगी, या तो मोदी तीसरी बार आते हैं या क्या होता है, 4 जून को सबको 11-12 बजते बजते पता चलेगा। तो मैंने योगेंद्र यादव जी से आग्रह किया कि जरा हमारे स्मार्ट बोर्ड पर आएँ और अलग अलग राज्यों के आंकड़े के साथ, राज्यों की तस्वीर के साथ, क्या तस्वीर बनती है, क्या मुद्दे हैं, क्या हर राज्य में अलग मुद्दा है, कोई राष्ट्रीय मुद्दा है जिस मुद्दे पर यह चुनाव 2024 का होने जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में कुछ ऐसा किया है जो उनके लिए बड़ा मुद्दा है, जिस आधार पर वो 400 पार के नारे दे रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में देश की तस्वीर तकदीर वाकई इतनी बदल दी कि इस आधार पर जनता उन्हें 300 पार या 400 पार के उनके नारे को जनता फलीभूत कर देगी, या वजह कुछ और है, फैक्टर कुछ और है, और क्या विपक्षी दलों की एकजुटता मोदी को इतनी बड़ी चुनौती देने की स्थिति में है जिसके दावे तमाम विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, बहुत सारे लीडर, 26 दलों का गठबंधन बना था इंडिया गठबंधन, हालांकि उसमें से एक दो लोग बाहर भी गए। तो इसलिए योगेंद्र जी को मैंने आग्रह किया कि जरा लोकसभा चुनाव में क्या होगा। तो पहला सवाल तो योगेंद्र जी यही है जो नीचे लिखा हुआ है, मूल सवाल तो यही है कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा। ये इस पर निर्भर करता है कि ये मोदी वर्सेस इंडिया बनता है या कि मोदी वर्सेस मुद्दा बनता है। तो पहले तो अगर आप मुझे इजाजत देते तो मैं इसको बदल देता, ये जो मोदी वर्सेस इंडिया की बजाय मैं लिख देता मोदी वर्सेस मुद्दा। मैं तो पत्रकार हूं नहीं, आपका पत्रकारिता करने का मोदी वर्सेस मुद्दा, बहुत अहम बात आपने कही। अगर ये चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दा बनता है तो सब कुछ बदल जाएगा। मुद्दा क्या? बेरोजगारी का। कल रिपोर्ट आई है, ILO की रिपोर्ट, बिल्कुल फिर कंफर्म करती है। आज ही मैंने वीडियो बनाया, देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। मुद्दा क्या? किसान की स्थिति का, आपसे बेहतर कौन जानता है, किसान की अवस्था का मुद्दा बनता है। मुद्दा क्या? इस देश में महिलाओं की असुरक्षा का। मुद्दा क्या? इस देश में जो गैर बराबरी बढ़ रही है उसका। और मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का, पुनः भ्रष्टाचार गायब हो गया था इस देश के चुनावी सीजन से, अब भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल आया है, अगर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को बना दें तो मैं कहता हूँ सारी चीज़ें डूब जाएंगी। अगर ये खबर गांव-गांव तक पहुँच जाए कि भैया एक प्रीपेड और पोस्टपेड की तरह ये सरकार, मोदी जी की भी प्रीपेड स्कीम है, पोस्टपेड स्कीम है, और इनकी एक पोस्ट रेड स्कीम भी है, ये बात पहुंच जाए और ये पता लग जाए कि किस कंपनी से कितनी दक्षिणा लेके कौन सी नीति बदली थी, कितने ठेके दिए थे, 4,00,000,000,000 रुपए के ठेके का खेल है। इसके सामने बोफोर्स और 2G, ये तो बच्चों के खेल दिखाई देंगे अगर ये बात पहुंच जाए तो असली सवाल यही ये है। बहुत अहम बात आपने कही, मोदी वर्सेस मुद्दा जी। लेकिन अब सवाल उठता है वो मुद्दा, हेडिंग पे मैंने सवाल लगा, नहीं सही क्या करूं? मैं आपसे सहमत हूं कि क्योंकि यही तो बीजेपी कहती है कि आपके पास क्या है। हाँ। आप सिर्फ बात आप करते हैं कि मोदी हटाओ, तो मोदी हटाओ मुद्दा नहीं हो सकता है।
मुद्दा ये हो सकता है कि आप मोदी का विकल्प क्या दे रहे हैं और वो विकल्प को जनता कैसे एक्सेप्ट कर रही है, तो वही आपने कहा। जी बिल्कुल। हाँ। और जब विकल्प की बात आपने कही तो क्या विपक्ष इंडिया अलायंस मिलके क्या कुछ बड़े विकल्प भी देश के सामने रख पाएगा? कांग्रेस ने देर से ही सही लेकिन 5 गारंटी की बात की है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के नेताओं को भी अभी तक पता होगा, कैंडिडेट को छोड़ दीजिए कार्यकर्ता और साधारण जनता को तो अभी छोड़ दीजिए। क्या अगले कुछ हफ्ते में ये 5 बड़ी बातें जो कांग्रेस ने कही, पहली बार चुनाव से 2 महीना पहले जो राजनीतिक समझदारी दिखाते हुए 5 बड़ी बातें कही हैं, एक किसान के लिए, एक महिला के लिए, एक जवान के लिए, एक गरीब के लिए और श्रमिक के लिए और एक ओबीसी SC ST के लिए, अब ये 5 बातें क्या कांग्रेस पहुंचा सकती है और क्या इंडिया कोलिशन के बाकी साथी भी इन 5 में से कोई अपनी पसंद की 2-3 चीजें चुन के उसको राष्ट्रीय मुद्दा बना सकते हैं? तो एक तरफ तो देश को क्या हुआ उसका नकारात्मक मुद्दा, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे इसका सकारात्मक मुद्दा, ये अगर बन सकता है तो चुनाव पलटेगा। लेकिन उसके साथ एक सवाल उठता है, हम भारत के नक्शे पर भी आते हैं और पिछले नतीजे पर भी, उसके साथ सवाल उठता है आप ये करें क्या ये मुद्दा बना सकते हैं गठबंधन के लोग या कांग्रेस? सकने के बीच अब सिर्फ 21 दिन का फासला है, मतलब 19 अप्रैल को पहले दौर का चुनाव है, पहले दौर की बात करो, उसके बाद 7 दौर अलग है लेकिन शुरुआत तो उसी दिन से होगा, तो अब वक्त है क्या? अगर अभी भी क्या बना सकते हैं वाली स्थिति में है तो? अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद, सोशल मीडिया और यूट्यूब आने के बाद, ये आप नहीं कह सकते कि वक्त नहीं है। ये बातें 70 के दशक में थी, 80 के दशक तक थी। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा नीचे पहुंचने लगे, क्योंकि अब तो फ़ोन पे जाता है ना, वो पहुंचने लगे तो वक्त है। बस इसमें 2 चीज़ों की कमी है। देखिए, सच्चाई ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको पहुंचाएगा नहीं। अब इसे आप गोदी मीडिया कह लीजिए, किसी भी नाम से कह लीजिए, इस देश के बड़े टीवी, बड़े अखबार, ये तो हिम्मत नहीं करेंगे। इन्होंने तो 2-3 दिन करके खाना पूरी कर ली है, ये तो अब आपको हिम्मत करके बताएंगे नहीं जो खबरें आ जाई हैं। जिस तरह से बिल्कुल वो है कि कैसे टेलीकॉम सेक्टर का भारतीय एयरटेल को, भारतीय एयरटेल को फेवर करने के लिए और 150 करोड़ रुपए की दक्षिणा ली गई। अब ये बात तो इलेक्टोरल बॉन्ड, ये बात तो अखबार की फ्रंटलाइन होनी चाहिए ना, नहीं छपेगी। मान के चलिए जैसे अब गर्मी जून के महीने में दिल्ली में गर्मी होगी, ये हम मान के चलते हैं। इसी तरह मैं मान के चलता हूँ कि टीवी और बड़े बड़े अखबार नहीं छापेंगे। मैं ये भी मान के चलता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक तरफा रहेगा, आँख मूंदेगा। इसके बावजूद लोगों तक खबर कैसे पहुँचाई जाए? तो उसमें एक तरफ विपक्षियों के राजनीतिक संकल्प का सवाल है, मेहनत तो आपको डबल करनी पड़ेगी दूसरों से, और दूसरा ये जो वैकल्पिक मीडिया जैसा आप चला रहे हैं उसकी रीच का सवाल है। तभी अगर पहुंच, अगर लोगों के कान में पहुंच जाए तो असर होगा। कान में पहुंचेगा या नहीं ये बड़ा सवाल है। एक बात ये भी होती है योगेंद्र जी कि सैद्धांतिक तौर पर इस तरह की बातें ठीक लगती है, लेकिन अगर ज़मीन पर उतरते हैं, जैसे मैं ही कई बार घूमता हूं, तो लगता है कि बीजेपी की मशीनरी और पूरा 24 घंटे बीजेपी की को महिमामंडित करने वाला मीडिया, खास तौर से मोदी को एकदम लार्जर देन लाइफ और एकदम महामानव की तरह पेश करने वाला मीडिया, उसने इतना काम किया है इतने सालों में कि उसकी काट के लिए ये 20-25 दिन कम पड़ेंगे आज की तारीख में, और वो ताकत फोर्स के साथ क्या गठबंधन काम कर रहा है? देखिए, ये बात सही है कि इसके लिए आपको इसको ध्वस्त करने के लिए 21 दिन काफ़ी नहीं है, लेकिन इसका कुछ हद तक इलाज तो 21 दिन में किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कोई जीरो से पार्टी थोड़ी उठानी है। हर स्टेट में ऑपोजिशन है, 5% टोटल 37% वोट मिला, बाकी वोट तो है ही 5% वोट उधर से इधर हुआ तो बाजी पलट सकती, ज़्यादातर राज्यों में पलट सकती है। यही हम देखेंगे किस किस राज्य में क्या स्थिति है, लेकिन उतना बदलाव करने की ज़रूरत है। और इस 21 दिन में आप क्या काम करते हैं, तो बिल्कुल विपक्ष के राजनीतिक संकल्प, राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल भी है और उनकी क्षमता का भी सवाल है। पैसा तो उनके पास है नहीं, उनका अकाउंट तो कर दिया है फ्रीज कांग्रेस वालों का, तो बिल्कुल कांग्रेस को फ्रीज कर दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, मतलब अभी ईडी की हिरासत में है, हेमंत सोरेन जेल में है, बाकी लोग ऑलरेडी डरे हैं कि किसके घर ईडी या CBI इनकम टैक्स चुनाव के पहले भी पहुंच सकता है। बिल्कुल, तो देखिए, तो आप लाइफ लाइन, पाइप लाइन, हर तरह की चीज काट के उनको एक तरह से पंगु और कमजोर करने पर आमादा है।
तो ये जो मैंने आपको कल कहा था कि देखिए चुनाव वाला चुनाव नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि ओलंपिक की कुश्ती हो रही है जहां रेफरी है, नियम है। ये तो हम बचपन में देखा करते थे ना, वो फ्री स्टाइल जिसके अंदर दर्शक भी तो घूंसा लगा देते थे और रेफरी पहले से मन बना के आता था, वैसे वाला चुनाव है। तो हम गणित तो सब कुछ करेंगे, पर इस सारे गणित के ऊपर एक गणित है और वो है ईडी का गणित, वो है आईटी का गणित, वो है विरोधियों को दबा के अंदर करने का गणित। और येन केन प्रकारेण मुझे तो लगता है, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल वाले एपिसोड के बाद मुझे लगा कि मोदी जी ने मन बना रखा है कि देखो मैंने तो इस आंकड़े को छूना है, और नीचे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि मुझे तुम 400 लेके आओ, कैसे लाओ इससे मुझे कोई मतलब नहीं है और किसी को मतलब नहीं होगा, मैं सुनिश्चित कर दूंगा। तो ये वाला खेल भी चल रहा है। तो ये तो ये जो हम सारे आंकड़े देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में किसको कितने वोट मिले थे, ये सब तो जनता के वोट है ना। तो सारा का सारा आंकड़ेबाजी इस पे निर्भर है कि जनता कुछ सोचेगी, जनता वोट दे के आएगी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब चूंकि शुरू में आपने कहा, हम थोड़ा राज्यवार जाने से पहले, जो आपने कहा मुद्दा, ठीक है, हर चुनाव का एक मुद्दा होता है और कोर इशू चुनाव का क्या है, और वो मुद्दा चुनाव की दिशा और नतीजे की दिशा तय कर देता है, हर चुनाव में होता है। 2014 में भी कुछ था, उस समय अन्ना आंदोलन की के उससे निकला हुआ एक देश में करप्शन के खिलाफ एक माहौल था, बीजेपी को उसका फायदा मिला। 2019 में पुलवामा भी हुआ, ये भी हुआ, और प्लस मोदी का अपना जो भी है हिंदुत्व का एजेंडा। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मुद्दा है? अगर इनके पास कोई वास्तव में मुद्दा होता तो ये प्राण प्रतिष्ठा का चक्कर क्यों करते? अगर मुद्दा होता तो भाई 10 साल राज करने के बाद आप क्या करते हैं? आप कहते हैं 10 साल मैंने राज किया, ये मेरी रिपोर्ट है, ये मैंने काम किया, आप मुझे वोट दे दीजिए, मैंने देश का इतना भला किया। 10 साल राज करने के बाद आप 10 साल पहले की सरकार के बारे में रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं, तो इसका मतलब है कि वैसा मुद्दा तो है नहीं। अब भ्रमित करने वाले मुद्दे हैं, सही मुद्दों से ध्यान भटकाने के मुद्दे हैं, वो अयोध्या है, प्राण प्रतिष्ठा है, हर चीज का हिंदू मुसलमान है, हर कुछ ज्ञान वापी और मथुरा का ट्रेलर है, ट्रेलर है, हर चीज, मतलब देश में किसी ना किसी तरह से। और इससे मुझे कोफ्त होती है बहुत ज्यादा कि आपने तय कर रखा है कि देश गया बाढ़ में, आग लगाओ, रोटी ठीक से सिकनी चाहिए, और अगर अच्छी आंच नहीं आ रही है तो थोड़ा आग को और बढ़ाओ। अरे रोटी तो तुम्हारी सिक जाएगी, सियासी रोटी, नफरत की रोटी, किस रोटी की बात कर रहे हैं? ये चुनाव की रोटी, चुनाव की रोटी, बिल्कुल चुनाव सियासी रोटी आप सेक रहे हो। और ये कि अभी आंच अच्छे से नहीं लगी, अच्छा थोड़ा और सुलगाओ, अच्छा बात नहीं बनी इससे, अयोध्या से बात नहीं बनी, अच्छा चलो जरा काशी मथुरा और करो, ये करो, इसका इसका फायदा तो आपको हो जाएगा, एक चुनाव आप जीत जाओ मान लीजिए, लेकिन अंततः इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हमारी आने वाली पीढ़ियां। तो ये हो रहा है, तो मुद्दा मुद्दे के नाम पे भटकाने वाले मुद्दे हैं। अपना परफॉर्मेंस सामने रखने को जो सरकार तैयार ना हो, किसी भी कौन, अगर मोदी जी ने उतना अच्छा राज किया है जैसा दुनिया कहती है, अगर इन्होंने देश का उतना कल्याण किया है जैसा वो बीच बीच में कहते हैं, तो छाती ठोक के आना चाहिए ना कि देखो 10 साल राज किया है, ये काम किए हैं, मैं रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूँ, मुझे वोट दो, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर 10 साल के बाद आपको लोगों को तोड़ना पड़े धर्म के आधार पे, लेकिन कई जगह हम देखेंगे जाति के आधार पे तोड़ने में बीजेपी सबसे आगे है, और कई जगह ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के आधार पर तोड़ रहे हैं। तो आपको ये सब अगर करना पड़े, अगर आपको आखिर में अरविंद केजरीवाल को पकड़ के गिरफ्तार ही करवाना पड़े, अगर आपको कांग्रेस का अकाउंट बंद करवाना पड़े, इसका मतलब है आपको खुद पता है कि आपके पास मुद्दे नहीं है जनता के पास ले जाने के। अब बात आती है, जैसे ये आंकड़े हैं जो स्क्रीन पर हैं 2019 के चुनाव के, चूंकि बेंचमार्क हमेशा पिछले चुनाव का होता है जिसमें 37% के लगभग वोट और 303 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 52 सीटें, ये सब आंकड़ों पर हम लोग लगातार बात करते रहे, और ये भारत का नक्शा है। अब ये यहाँ अगर हम देखें तो इसको थोड़ा इनलार्ज किया मैंने, और ये फेज वाइज, फर्स्ट फेज में कहाँ इलेक्शन है, सेकेंड फेज से लेकर सेवन्थ फेज के हिसाब से इस नक्शे में वैसे ही इसमें किया गया। अब आप बदलाव की आहट, बदलाव की आहट मतलब, बदलाव की आहट नहीं कहूंगा, चुनौती की आहट, मोदी की सत्ता को चुनौती की आहट भारत के किस हिस्से से देखते हैं, तब फिर हम राज्यवार जाएंगे। देखिए मैं एक पट्टी बना के दिखाता हूं हमेशा, ये पट्टी शुरू होती है हमारे यहाँ केरल, एक मिनट इसको मैं पेन पे, इसको तो लाली कर दीजिए, केरला का जिक्र आ गया है तो पट्टी ये शुरू होती है केरला से, इसमें आ गया आपका तमिलनाडु, ये आ गया हमारा आंध्र प्रदेश, अभी फिलहाल तेलंगाना इसमें जोड़ दीजिए, और ये हमारा आ गया उड़ीसा। ये जो पूरी पट्टी है
उड़ीसा इसमें एक तरह से कम है, लेकिन ये जो पट्टी है इस पट्टी में बीजेपी ना नंबर एक पार्टी है ना ही नंबर दो पार्टी बन पाई है। उड़ीसा में कोशिश कर रही है लेकिन अभी बनी नहीं है। इस पट्टी में अगर पिछले 5 साल में बीजेपी तेजी से बढ़ के नंबर दो पार्टी बन जाती, सीटें जीतने की स्थिति में आ जाती, तब बीजेपी वो 400-800 की बातें कर सकती थी। दिक्कत बीजेपी की आज भी ये है कि इस सारे जगह पे बीजेपी को बिल्कुल नाम के वास्ते सीटें आती हैं। उड़ीसा में आ गई थी पिछली बार 8, तेलंगाना में थी 4, आंध्र प्रदेश में थी 0, तमिलनाडु में 0 और केरला में 0। और यहाँ पे कोई बड़ा बदलाव बीजेपी कर नहीं सकती। इसलिए बीजेपी की जो असली चुनौती है वो ये है कि ये जो इलाका है ये हो गया बीजेपी के लिए चुनौती की जगह, ये चुनौती की जगह है। इसलिए अब बीजेपी की असली दिक्कत है कि उसको ये जो इलाका बनता है, जो ये जो हिंदी पट्टी जो बोला जाता है, जिसमें आप जोड़ दीजिए साथ में अपना ये छत्तीसगढ़ वगैरह जोड़ते हुए, एमपी महाराष्ट्र को छोड़ता हूं और अभी मैं इसमें गुजरात जोड़ता हूं। ओके, ठीक है। अब बीजेपी को यहाँ झाड़ू लगानी पड़ती है। जो चैलेंज है बीजेपी की वो ये है कि उसको इस पूरे इलाके में सिर्फ जीतना नहीं है, लगभग सारी सीट जीतनी है उसे यहाँ पे। अगर आप इसमें से एक आधे राज्य को निकाल दें तो यहाँ पे 200 सीट है। अभी मैं बिहार को इससे बाहर निकालता हूँ, बिहार का एक अपना अलग संदर्भ है। इन 200 में से 205 में से बीजेपी को 175, 180, 190 सीट लेनी पड़ती है। अगर यहाँ पे विपक्ष बीजेपी से 20, 25, 40 सीट भी खींच लेता है तो बीजेपी खत्म हो जाती है। पिछली बार क्या था, देखिए बीजेपी की जो दिक्कत है वो ये, 26 में से 26 गुजरात में इसको थी, 26 यहाँ पे, 26 में से 26 थी राजस्थान में, से 24 कह सकते हैं आप, लेकिन वास्तव में 25 ही थी नागौर, तो उन्हीं का गठबंधन था वो था। हरियाणा में 10 थी, दिल्ली यहाँ पे छोटा सा हमारा है जहाँ 7 में से 7 थी उनकी, उत्तराखंड में 5 में से 5 थी, पीछे यहाँ हिमाचल रह गया यहाँ पे 4 में से 4 थी, यहाँ मध्य प्रदेश में 28 में से उनके 29 में से 28 सीटें थी, छत्तीसगढ़ में उनको 11 में 9 सीटें थी, और अपने झारखंड में 14 में से 11 सीट थी, और उत्तर प्रदेश जहाँ उनको 64। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बीजेपी बढ़ नहीं सकती, यहाँ सैचुरेशन पे मैक्सिमाइज हो चुका है। यहाँ सैचुरेशन को बनाए रखना है और बाकी जगह जोड़ना। इसलिए जब लोग कहते हैं ना भाई इस बार तो 400, मैं कहता हूँ भाई साहब जरा ठंडा पानी पियो, एक टेबल हाथ में लेके बैठो और आप मेरे को दिखाओ, यहाँ 26 में से 27 हो जाएंगी क्या, यहाँ 24 में से 25 में से क्या 26 हो जाएंगी बीजेपी की? यहाँ तो बढ़ नहीं सकता ना, यहाँ तो घटेगा ही। तो इस जो गिरेगा घटेगा, चलिए उत्तर प्रदेश में कई लोग कहते हैं कि बढ़ाव की गुंजाइश है, तकनीकी रूप से है, आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कुछ गुंजाइश हो सकती है क्योंकि यहाँ इनको 16 सीट नहीं आई थी, बाकी तो बढ़ेगी कहाँ से। तो आप जो यहाँ जो भी नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई कहाँ से करेंगे और उसके बाद कहाँ से आके जोड़ेंगे, ये कोई मुझे बता दे। मोटा गणित फिर मैं बता देता हूँ बीजेपी की संभावनाओं का। केरला में अगर बीजेपी चमत्कार कर दे तो ये जो सीट है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे बीजेपी की एकमात्र उम्मीद है। वैसे कोशिश वो यहाँ पे त्रिशूर में भी कर रहे हैं लेकिन गंभीर चीज यही है। तमिलनाडु में ले दे के बीजेपी को उम्मीद ये है कि 3 या 4 सीट पे, ये रहा कन्याकुमारी, यहाँ पे साथ में जुड़ी 2 और सीट है रामनाथपुरम और कोयम्बतूर, यहाँ गुंजाइश है। इसके बाहर तो बीजेपी कॉन्टेस्ट में नहीं है। आंध्र प्रदेश में अपने दम पे बीजेपी एक भी सीट गंभीर रूप से लड़ने की स्थिति में नहीं है। नोटा से कम वोट बीजेपी के थे यहाँ पे, अब टीडीपी के चलते जरूर कुछ 2-4 सीट ले जाएगी, 1-2 सीट की गुंजाइश यहाँ है। तेलंगाना में 4 सीट आई थी, 1-2 सीट बढ़ा सकती है। और अब जबकि उड़ीसा में गठबंधन नहीं हुआ है और अगर नवीन पटनायक ये ठान लें कि हाँ मैं जरा इनको दिखा दूंगा तो इनकी 8 सीट घट सकती है। तो मेरा प्रश्न यही रहा है कि भाई बीजेपी की सीट बढ़ेगी कहाँ से? ये जो 2-1 बड़े राज्य जिनकी हमने चर्चा नहीं की थी, अगर इसको मिटा दें आप तो मैं बिल्कुल कि इसको हम जिन राज्यों की हमने, बड़ा सुंदर आपका ये है, वाह तो जादुई सा मामला लगा है। अरे मिट भी नहीं रहा है भाई। जी जी जी, मैंने ज्यादा प्रशंसा कर नहीं नहीं नहीं, वो मेरा मेरी शर्ट से टकरा है। अच्छा 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 जी, हो गया। अब देखिए ये जो इनके पास महाराष्ट्र, एक पेन पे आता हूं,
महाराष्ट्र में जो है यहाँ पे बीजेपी के पास 41 सीट है, कुल 48 है और इसमें से 41 बीजेपी के पास है। बिहार एक एनडीए के पास है जिसमें अकेली बीजेपी 22 है मेरे ख्याल से। और यहाँ बिहार में 40 में से 39 एनडीए के पास है। तो मेरा प्रश्न यही रहता है कि ये बढ़ेगा कहाँ से, इसका प्रश्न रहेगा। यहाँ मैं पहले भी बात कर रहा हूँ, फिर से ये कहूँगा कि अगर 40 में से 39 है तो इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि 39 में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 17 है सर। एग्जैक्टली इस 17 के साथ बीजेपी 303 का नंबर पहुंचती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बाकी तो यहाँ 16 जेडीयू था और 6 एलजेपी था, ठीक है। तो अब यहाँ 17 तो है बिहार में भी अगर हम बात करें तो। अब आगे आप बढ़ें फिर मैं कुछ। तो अब देखिए बीजेपी को 303 के वर्तमान आंकड़े से बढ़ने के लिए क्या क्या करना होगा। हमने देखा इस पूरे इलाके में तो बीजेपी बढ़ नहीं सकती क्योंकि पहले ही सैचुरेशन पे है। उत्तर प्रदेश में समझिए 5-7 सीट बढ़ाने की गुंजाइश हो सकती है अगर वो चमत्कार करें इस चुनाव में। तो महाराष्ट्र में, बिहार का आपने बताया, बिहार में बीजेपी को अलॉट भी 17 सीट हुई है। हाँ, तो उसे 17 तो 16 पे जेडीयू है, बाकी उनके वहां बढ़ाने की गुंजाइश वहां नहीं है ना। तो बढ़ाने की गुंजाइश बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में हो सकती है। आप कहिए 2-1 सीट बीजेपी कोशिश करेगी नॉर्थ ईस्ट में हासिल करने की, हालांकि पहले बीजेपी के पास अच्छा है वहां पे। बंगाल में बीजेपी के पास ऑलरेडी 18 सीट है, बंगाल को हम देखेंगे। वहां 18 से आगे बढ़ना आसान काम नहीं है, जबकि विधानसभा चुनाव में बिल्कुल एक तरफा तरीके से हरा चुकी है ममता बनर्जी उन्हें। तो प्रश्न यही है 303 के आंकड़े को बढ़ाना कैसे संभव होगा। और इसलिए जो 370 और ये सब बात होती है, मैं यही पूछता हूं कि आप मेरे को हवा में बना दें तो बहुत अच्छी बात है, बना दीजिए आप, लेकिन आप मुझे कागज पे करके तो दिखाइए कहां से 370 बन रहा है। अब मैं इसका एक काउंटर सवाल पूछता हूं कि 370 कहां से होगा, बढ़ाना कैसे होगा, वो सवाल आपने उठाया। अब मैं इसका एक काउंटर सवाल है कि बीजेपी घटेगी कैसे 303 से, कहां इसी नक्शे में अगर देखें बीजेपी 303 से घटेगी कहां। घटेगी भाई 272 पे ही, 272 पे ही है बहुमत, 73 भी हो गया तो भी सरकार है अकेले, बाकी तो एनडीए की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो घटने की कहां दिख रही है कि बीजेपी घट के 40-50-60 सीट ओवरऑल में कहां फिर कहता हूं, भविष्यवाणी में कतई नहीं करता, मैं केवल संभावना बता संभावना खतरे चुनौती के कुछ चुनौती हम देख रहे हैं। आप शुरुआत ऊपर से करिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अगर विधानसभा चुनाव के परिणामों को पलट दें तो 3 सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए, 1 बीजेपी। मैं नहीं समझता ऐसा होगा, दिक्कत चैलेंज है और अब तो उनकी सरकार को चुनौती आ गई है, लेकिन क्या 1 सीट नहीं निकाल सकती यहाँ कांग्रेस। आप पंजाब आइए, पंजाब में बीजेपी के पास 2 सीट हैं, लेकिन वो अकाली दल की मेहरबानी से हैं। इस वक्त अकाली दल से अलायंस टूट गया है, बीजेपी की अपनी स्थिति ये नहीं है क्योंकि पंजाब में वो एक शहरी हिंदू की पार्टी है, बीजेपी की अपनी स्थिति नहीं है। अगर कायदे से ये लोग चुनाव लड़ें तो जो उनकी ये वाली दोनों सीटें हैं, ये है गुरदासपुर और ये है होशियारपुर। अभी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक सांसद को अपने में मिला लिया इसी चक्कर में। सांसद को भले ही मिला लीजिए, सीटें उनके नहीं है। देखिए बीजेपी पंजाब में नंबर 4 पार्टी है, नंबर 1-2 भी नहीं है। नंबर 1 पे कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है लोकसभा में हम जानते नहीं। नंबर 3 पे अकाली दल है, नंबर 4 पे बीजेपी है, दोनों सीट उनके खतरे में है। हरियाणा में जब से चुनाव हुआ है, जब से किसान आंदोलन हुआ है, उसके बाद हरियाणा से बीजेपी हरियाणा को पे नंबर पूरी तरह से खतरा है। ये देखिए हरियाणा में पिछली बार 10-10 आई थी, लेकिन जब से ये अपना हुआ है, किसान आंदोलन हुआ है, उसके बाद से बीजेपी को खतरा है। खास तौर पे ये जो हरियाणा की मेन स्ट्रीम जो बेल्ट आती है हरियाणा की, उस बेल्ट में बीजेपी को, दक्षिण हरियाणा की एक अपनी विशेष स्थिति है, लेकिन इसको जिसे हार्टलैंड बोला जाता है हरियाणा का, कुछ लोग जाटलैंड भी बोल देते हैं। अच्छा योगेंद्र जी हरियाणा के ही हैं, मेरा अपना इलाका यहाँ है भाई, मैं यहाँ का रेवाड़ी और गुड़गांव का रहने वाला हूँ। ये जो इलाका है यहाँ बीजेपी को बहुत सख्त चैलेंज है, जिसके चलते इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला है। हरियाणा में सवाल केवल एक है कि क्या ये जाट बनाम गैर जाट की लड़ाई हो जाएगी। बीजेपी के बारे में छवि लोगों की ये है कि हिंदू बनाम गैर हिंदू के लिए मैं बड़ा किया, ये
छवि है कि हिंदू बनाम हिंदू मुस्लिम का खेल करती है। हरियाणा में वो खेल नहीं है। हरियाणा में बीजेपी की एक अलग राजनीति है जिसको हरियाणा की भाषा में 35-1 बोला जाता है, मतलब 35 बिरादरियों को एक बिरादरी के खिलाफ खड़ा कर दो, जाट बनाम गैर जाट बना दो। क्या वो होगा? या कांग्रेस, जिसको इस वक्त किसान आंदोलन के बाद से विपक्ष को समर्थन है किसानों का, जाट बिरादरी का, क्या वो किसानों के साथ साथ कृषक समाज के साथ साथ क्या वो दूसरे समाज को जोड़ पाएंगे जो कांग्रेस का परंपरागत वोट आधार रहा है, दलित समाज और अन्य ओबीसी? अगर वो जोड़ पाती है तो निश्चित ही हरियाणा के अंदर बीजेपी को चैलेंज है, बीजेपी निश्चित इसमें। और अगर बीजेपी इतनी निश्चिंत होती तो चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री को बदलना और नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट बनाने के लिए ले आना अपनी पार्टी में, जो एक रात पहले आए और अगले दिन वो बीजेपी के हिस्सेदार बन गए। तो अगर आप बीजेपी के समर्थकों से भी पूछें तो वो कहेंगे कि हाँ, बीजेपी को कम से कम यहाँ 3-4 सीट पे सीरियस खतरा है। बीजेपी, मैं बड़े दावे नहीं कर रहा, मैं उस तरह की बातें नहीं कर रहा, 10 सीट में हार जाएंगी इत्यादि, अगर गंभीर माहौल बनता है तो 10 हार सकती है। लेकिन हम मतलब आपको लगता है 10 हार भी सकती है? अगर चुनाव जो किसान आंदोलन में माहौल बना था उस माहौल के साथ साथ अगर कांग्रेस का परंपरागत वोट जोड़ा जाए, जिसमें यहाँ पे दलित हैं, ये इलाका है जहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ पे मेव इलाका भी है, गाँव का जुड़ा हुआ इलाका है, ये राजस्थान से नहीं जुड़ता है, यहाँ पे ये इलाका होगा मोटे तौर पर, ये सारा जो इलाका है इसमें, यहाँ पे ये है अपना, ये गुड़गांव है, भिवानी महेंद्रगढ़ है, और ये वाला अपना गुड़गांव जिसका बड़ा अजीब समय है, ये जो इलाका है ये मेवात का इलाका आता है। तो यहाँ मेवात के इलाके में मेव मुसलमान है, अगर कांग्रेस अपने पुराने वोट को जोड़ सके तो निश्चित ही यहाँ पे बीजेपी को सेटबैक होगा। आप दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली पे भी आते हैं, दिल्ली पे हम आ जाते हैं, दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली में विचित्र स्थिति है। अगर आप लोकसभा के हिसाब से देखें, 7 सीट पे बीजेपी है और भयंकर मेजोरिटी से है। आप विधानसभा को ले लीजिए तो 7 सीट पे आम आदमी पार्टी है, गजब मेजोरिटी से है। लेकिन अब क्या होगा प्रश्न दिल्ली में? अगर आप लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो दिल्ली के 2-3 इलाके हैं जहां चुनौती है। जो आप अगर दिल्ली का मैप देता हूं आपके लिए, जी, ये जो देखिए तकनीकी रूप से अगर आप सिर्फ आंकड़े देखें तो पता लगेगा चांदनी चौक वो है जहां पे सबसे बड़ी चैलेंज है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल रियलिटी देखें दिल्ली में क्या कुछ हुआ है उसका, तो फिर आप देखेंगे ये जो नॉर्थ ईस्ट की सीट है जमुना पार, ये है जमुना दिल्ली में, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट की सीट है, ईस्ट की सीट है और नॉर्थ वेस्ट, इन इलाकों में सबसे ज्यादा चैलेंज है बीजेपी के लिए। तो अगर अच्छा, कोशिश करें, इसके दो कारण है। दिल्ली की अपनी डेमोग्राफी है, ये जो इलाका याद रखिए नॉर्थ ईस्ट का इलाके में 2 समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है, एक तो दलित बहुत बड़ी संख्या में है, दूसरा मुस्लिम समाज बहुत बड़ी संख्या में है, और ये दिल्ली के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। तो वो जो परंपरागत जनाधार यहाँ आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का मिला के बहुत स्ट्रांग बनता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंज है। और दिल्ली के जितने भी बाहरी इलाके हैं, बाहरी इलाकों में गरीब लोग ज्यादा बसते हैं। तो प्रश्न दिल्ली में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा यही है, क्या आम आदमी पार्टी का जो वोटर था जिसने विधानसभा में जम के वोट दिया और जो पिछली 2 बार से लोकसभा चुनावों में पलट के सीधा बीजेपी का हो जाता है, उनका कुछ हिस्सा छिटक के इस बार कहेगा कि नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना? अगर उसका एक हिस्सा, सारा भी नहीं, अगर एक हिस्सा भी जुड़ जाता है तो कांग्रेस का जो पुराना जनाधार है इन दोनों को जोड़ते हुए देखें, क्योंकि दिल्ली में पिछली 2 बार का अनुभव ये रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से बेहतर परफॉर्म कर जाती है ना? तो अगर ये होता है तो अपने आप इसमें आंकड़ा बदल सकता है, और यहाँ पे कम से कम विपक्ष को 2-3 सीट की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये उस तरह के आंकड़े नहीं दे रहा जो कि सबकी कोशिश रहती है। तो दिल्ली में जैसे अगर हम पिछले चुनाव की बात करें योगेन जी, तो नंबर तो ऐसे किसी को, हालांकि एज ए ले मैन बात करेंगे, मतलब इसको हम कहीं ऐसे नहीं कह सकते कि यही हर बार पैटर्न होता है, लेकिन ऐसे कोई आदमी बात करता है तो बोलता है भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के टोटल वोट भी देख लेंगे तो 40% है, बीजेपी की तो अकेले 56% से ज़्यादा है, विधानसभा में 67 सीटें एक बार मिल गई, एक बार 62 सीटें मिल गई, रिकॉर्ड तोड़ जीत, लेकिन लोकसभा का पैटर्न ये, तो लोग बोलते हैं दिल्ली में क्या है, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल,
इस तरह का वोटिंग पैटर्न रहा है। अब कितना इसमें जमीनी हकीकत है पता नहीं, लेकिन नतीजे ये दिखाते हैं। जी, तो दो प्रश्न है। पहला ये कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट वाकई एक दूसरे के साथ जुड़ेगा? फिलहाल लगता है कि जुड़ सकेगा, क्योंकि दोनों में एक तरह से कोऑर्डिनेशन है, वे एक दूसरे के साथ मिलकर रैली भी कर रहे हैं, और वैसे भी दोनों का जनाधार एक दूसरे से जुड़ता हुआ है, गरीब का, दलित का, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले का। और दूसरा और सबसे बड़ा सवाल है कि जो आम आदमी पार्टी का वोटर विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट देता है लेकिन लोकसभा में पलट के मोदी जी के साथ हो जाता है, क्या उसका एक हिस्सा, उसका समझिए एक चौथाई, क्या इस बार कहेगा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा कर दिया, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। अगर एक चौथाई वो वोट भी छिटकता है और आम आदमी पार्टी की तरफ वापस आता है तो ऐसे में विपक्ष बहुत बड़ी चुनौती दे सकता है, कम से कम 2-3 सीट पर तो चुनौती आराम से दे सकता है। अब इसी पर आते हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी, ये स्थितियाँ इस बार अलग हो गई दिल्ली के वोटर के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। जो विधानसभा चुनाव में उनको अपार बहुमत हमने देखा, 67 सीट अपने आप में केजरीवाल को भी सपने में नहीं सोचा होगा, और उसके बाद भी 62 पर मेंटेन रखना, और पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई तब। अब बात आती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी, केजरीवाल पर इतने आरोप, बीजेपी और मीडिया की तरफ से लगातार केजरीवाल को एक तरह से विलेन, घपला घोटाला किया, 100 करोड़ लूटा, तमाम तरह के प्रचार प्रसार, उसका असर जनता पर कैसे होगा? क्या जनता केजरीवाल को विक्टिम की तरह देखेगी कि मोदी ने केजरीवाल को टारगेट किया, मोदी ने केजरीवाल को बुलडोज किया, डेसिमेट किया, या जनता देखेगी नहीं कुछ तो गड़बड़ है? तो ये बहुत कुछ तय करेगा दिशा। यही बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली की जनता जो कि 2012-13 में विचलित हुई थी उस सवाल पे, भ्रष्टाचार के सवाल पे विचलित हुई थी, तो ये जनता विचलित तो होती है। और ये राजनीति का इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि आप चुनाव से ठीक पहले उठा के मुख्यमंत्री को अंदर कर दें। तो अगर दिल्ली की जनता विचलित इस सवाल पे होती है तो बहुत कुछ बदल सकता है, और अभी तो समय है दिल्ली में चुनाव होने में, और दिल्ली ऐसा प्रदेश नहीं है जहां लोगों को सूचना मिलने में बहुत समय मिले, सब लोगों तक सूचना पहुंच जाती है। केजरीवाल गिरफ्तार हुआ है, ये बात कब तक पहुंची होगी? अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जेल में रहने, कस्टडी में रहने के बावजूद, क्या जमीन पर लोगों तक वो मैसेज पहुंचा सकती है, उस तरह से टिक सकती है? क्योंकि अंततः बीजेपी का ले दे के विचार ये है कि बड़े नेता अंदर कर दिए, अब तो इनकी पार्टी तोड़ देंगे, इनके विधायकों पे और पुराने लोगों पे छापे पड़ने भी शुरू हो गए हैं। जैसे मैंने कहा, चुनाव चुनाव वाला नहीं, आप इसको केवल जनमत की तरह मत देखिए, ये भी देखिए किस पे छापे पड़ रहे हैं, किस पे दबाव पड़ रहा है, किसके ऊपर फोन आ रहे हैं, ये सब खेल भी चल रहे हैं। लेकिन यही परीक्षा है, अगर आम आदमी पार्टी जमीन पर अपने वोटर से जुड़ी रहे, टिकी रहे, तो दिल्ली में बड़ा बदलाव आ सकता है। अब मैं फिर इसी पर काउंटर सवाल, चूंकि सबकी नज़र अब दिल्ली पर भी होगी, सीट भले ही दिल्ली में 7 सीटें हैं, लेकिन 7 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली 2014-19 में भी। अब सवाल उठता है, उन 7 सीटों से एक संदेश जाता है और एक लिटमस टेस्ट होता है, इस सेंस में कि एक दिल्ली का लोकप्रिय नेता, मैं वोट के हिसाब से बोल रहा हूँ और उस बहुमत के हिसाब से जो दो चुनाव में मिला, एक लोकप्रिय नेता जिसकी 62 सीटें हैं, 67 सीटें जिसने जीती, उसे जेल कर दिया जाए और उसके बाद चुनाव हो, जैसे आपने कहा कि क्या आम आदमी पार्टी पहुंचा सकती है नीचे तक? मुझे लगता है दिल्ली में लोग अवेयर हैं, सबको पता है कि केजरीवाल साहब क्या हो, यहाँ वो कहानी झारखंड और उड़ीसा और वो तो है नहीं, एक एक वोटर को पता होगा केजरीवाल जेल में। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी भी कोई कम नहीं है, उनकी मशीनरी, सोशल मीडिया, उनका कम्युनिकेशन, तो लोगों को पता है, मैं ये मानकर चल रहा हूं दिल्ली के वोटर में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है केजरीवाल जेल में। अब सवाल उठता है जो मैंने कहा कि वो विक्टिम मानते हैं केजरीवाल को मोदी की सत्ता का, या वो उस नैरेटिव को सही मान लेते हैं जो बीजेपी नैरेटिव उन तक पहुंचाने में लगी है, यही कुछ तय करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मामला सूचना का दिल्ली में नहीं है, मामला तर्क का, आप किस तरह से, क्या उसका जो रैशनेल है, उसका जो तर्क है वो पहुंचा सकते हैं? क्या आप दिल्ली के वोटर को बता सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी, उस व्यक्ति ने उससे पहले 5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे और उसके बाद 45 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड और वो सरकारी गवाह बन के जमानत पर बाहर आ गया? जी बिल्कुल। तो ये जो सारा मामला है, क्या ये आप पहुंचा? शरद रेड्डी की बात करें, जिन दर्शकों को नहीं पता होगा, अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी
मेरे ख्याल से दर्शक जानते होंगे, अन्यथा गूगल सर्च करें। हाँ। जी, तो ये बात आप पहुंचा सकते हैं या नहीं? अगर ये पहुंचा सकते हैं और इसका जो सारा गोरख धंधा है ये पहुंचा सकते हैं, तो दिल्ली की जनता इस सवालों को पहचानती है, समझती है। और ये भी याद रखिए कि दिल्ली में सिर्फ मध्यम वर्ग के टीवी देखने वाले लोग नहीं है, दिल्ली वर्किंग क्लास का शहर, बहुत गरीब लोग रहते हैं। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, यहाँ लोगों की ज़िंदगी के सवाल हैं, जो देश के बड़े बड़े सवाल हैं सब दिल्ली में है वो सवाल। क्या इन मुद्दों को, महंगाई का सवाल है, इन मुद्दों को किस तरह से रखा जा सकता है, उससे दिल्ली में बाजी पलट सकती है? एक बार फिर दिल्ली पर ही अरविंद जी, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, थोड़ा सा पीछे जाइए, आम थोड़ा सा आप पीछे रहिएगा, सॉरी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी दिल्ली में चुनाव को लेकर, दोनों के मतदाताओं को लेकर दोनों में टकराव होता रहा। अब 4-3 पर दोनों की सहमति बन रही है। अब बात आती है कि कोई भी चीज़ कंपेटिबिलिटी फैक्टर ये होता है, क्या वोट ट्रांसफ़र हो सकता है, क्या वो मतदाता भी नीचे एक दूसरे के उम्मीदवार को जिताने के लिए उस ताकत से लगते हैं, या मतदाता को लगता है कि यार ये 10 साल से तो आपस में लड़ रहे थे तो 5-10% वोट, ये जो सीधे जोड़ने में यहाँ दिख रहा है कि 22, अगर मैं ये न्यूनतम जोड़ूं जो 2019 का है, ये 40%, ये 40% इंटैक्ट होंगे। हालांकि इस 40% से बात बनेगी नहीं जब तक इसमें कुछ और ऐड नहीं होगा, क्योंकि 15% का फासला अकेले। तो क्या वोटर में कोई कंफ्यूजन होगा या वोटर ट्रांसफर हो जाएंगे, आप इसको किस तरह से? मोटे तौर पे ये मुझे दिल्ली का सबसे बड़ा सवाल नहीं लगता, क्योंकि संयोग ये है और शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में टकराहट भी रही है कि दोनों का बेस कॉमन है। दोनों गरीब का वोट लेते हैं, दोनों झुग्गी झोंपड़ी का वोट लेते हैं, मुस्लिम वोट भी है, दोनों के पास मुस्लिम वोट आता है बीजेपी के खिलाफ करते हुए तो, और दोनों को दलित का, बतौर दलित नहीं लेकिन बतौर गरीब वोट आता रहा है, तो इसलिए दोनों का वोट कॉमन है। और अगर ये दोनों के वोट जुड़ने से, मुझे लगता है वोट ट्रांसफ़र सबसे बड़ा सवाल नहीं है, असली सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने उन वोटर को जो कि विधानसभा और लोकसभा के बीच में पलट जाते हैं, उनमें से क्या 1/4 को वापस ला सकती है? अगर वो करती है तो सब कुछ बदल जाएगा। चलिए, बहुत अहम है योगेन जी ने जो कहा। अब आते हैं, चूंकि कई राज्य हैं और जल्दी जल्दी करना है, अब बिहार, बिहार पर नज़र सबकी है और बिहार पर नज़र मोदी जी की इतनी थी कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने पाले में ले आए, क्यों ले आए, कैसे ले आए, उस पर बहुत बार बात हो चुकी है। लेकिन बिहार वहाँ वो राज्य है जहाँ से राजनीतिक बदलाव की आहट समय समय पर दिखती है। बिहार वो राज्य है जहाँ तेजस्वी यादव पूरी ताकत से, लालू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस का गठबंधन मोदी को चुनौती दे रहा है। अब बिहार में जो तस्वीर है, ये मैप है, अभी हालांकि पूरी तरह से सीटों को लेकर अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, आरजेडी और कांग्रेस की हो गई है, आरजेडी और कांग्रेस का में 9 सीट में पूर्णिया को लेकर, पप्पू यादव को लेकर उलझन है, चूंकि आरजेडी ने बीमा भारती को वहां से टिकट दे दिया, तो इसलिए मिटी ग्रिटी पर एक सीट पर नहीं जाते, हम लार्जर पिक्चर पर बात करते हैं। और चूंकि शुरू में भी मैंने कहा, पहले भी, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि बिहार में बीजेपी और इनको जबरदस्त कामयाबी मिली थी, 40 में से 39 सीटें जीती थी। बिहार में क्या चुनौती देखते हैं और क्या मुद्दा, एक चीज़ और भी बताइएगा योगेन जी, क्या राज्य में कुछ मुद्दे बदलते भी हैं या एक ही अम्ब्रेला है जो पूरे देश को गवर्न करता है? देखिए, बिहार तो अपने आप में हमेशा अलग रहा है, बिहार कम से कम पूरे हिंदी पट्टी का एक राज्य है जिसकी अपनी अस्मिता है, वो मध्य प्रदेश वालों की नहीं है, उस तरह से हरियाणा राजस्थान की नहीं है, बिहार का बिहारी होने की अस्मिता अलग है, तो बिहार के तो मुद्दे अलग हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार के पलटने के बाद जो एक बार लगा था कि भाई अब तो बिल्कुल एक तरफा हो गया और अब तो पुराना रिपीट करने वाले हैं, उस स्थिति में दो बदलाव आए हैं। पहला तो ये है कि ये हर कोई जानता है, ये आपके लिए तो कोई नई बात नहीं होगी, कि इस गठबंधन की सबसे जो कमजोर जो कड़ी है, सबसे कमजोर कड़ी है ये जेडीयू, जिसको फिर इस बार 16 सीट मिल गया, शायद 16 मिला 16 इस बार 17 नहीं मिले, 16 मिले, सबसे कमजोर कड़ी ये है, ये जो उन्हें 17 में से 16 सीट पिछली बार आ गए थे, इस बार इंडिया गठबंधन का जो टारगेट है वो इन पे रहेगा, क्योंकि इनको इनको करना, और संयोग ये है कि आरजेडी ज़्यादा सीट वो लड़ रहा है जहाँ की जेडीयू, और वहाँ आरजेडी के खिलाफ जेडीयू के लिए कठिनाई होगी। दूसरी बात ये कि बाकी राज्यों की तुलना में मैं जितने भी विपक्ष के नेताओं को देख रहा हूँ, उन सब में से अगर मुझे कोई एक नेता लगा जो बिल्कुल जम के जमीन पे लड़ रहा है और जिसने अपनी लोकप्रियता में इजाफा किया है, वो तेजस्वी यादव है, इसमें कोई शक नहीं। उस 17 महीने की सरकार का उन्होंने फ़ायदा उठाया है, जनता में एक छवि बनाई है, ये जो नौकरियां दी हैं मेरी वजह से दी हैं, नीतीश की वजह से नहीं है, ये बात है।
और एक जमीनी मुहावरा है, अगर आपने मुंबई में उनकी स्पीच भी सुनी हो तो अगर विपक्ष यहाँ पे तेजस्वी यादव लीड करते हैं तो बीजेपी को, एक तो जेडीयू की अपनी कमजोरी की वजह से, क्योंकि जेडीयू जमीन पे बहुत कमजोर पार्टी बनती जा रही है, बीजेपी को पता है, और ये देर सवेर जेडीयू को खत्म करने का मामला 2025 के पहले उनकी तैयारी है कि जेडीयू को एकदम खत्म करो, मिनिमाइज करो। बीजेपी का बिल्कुल ये है कि किसी को इतनी जोर से गिरफ्त में ले लो कि उसके बाद जब गिरफ्त छूटे तो पता लगा वो तो है ही नहीं। तो होना तो यही है जेडीयू के साथ, लेकिन उसकी शुरुआत अभी हो जाएगी। और इसलिए 39 में उसे 39 का आंकड़ा तो खैर छोड़ दीजिए, अगर आप सिर्फ साधारण गणित भी करें विधानसभा चुनाव में जिनकी जो सीटें थी उसके हिसाब से, मेरे साथियों ने गणित किया है, तो उस गणित के हिसाब से कम 11 सीट तो हैं, 11 सीट तो सीधे ऐसी हैं जिन्हें पुराने गणित के हिसाब से भी विपक्ष हासिल कर सकता, मतलब जेडीयू की 11 सीटों को आप कमजोर सीट मानते हैं? सिर्फ जेडीयू की नहीं, मैं दोनों गठबंधन की मिला के कह रहा हूं। अच्छा, ओवरऑल आप बोल रहे हैं जो कि 11 कमजोर सीटें हैं। 11 बिल्कुल, 11 सीटें तो ऐसी हैं जहां बहुत आसानी से इस वक्त ये जो गठबंधन है वो हासिल कर सकता है। अगर ये सीट हासिल नहीं करते इसका मतलब है चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ रहे हैं। 11 सीट तो बिल्कुल सीधे वो है, और उसके बाद है 11 मतलब 40 में 39 सीटें पिछली बार थी, उसमें से 11 अगर माइनस करते हैं कि 11 सीटें गठबंधन आपके हिसाब से मजबूती से लड़के छीन सकता है, कम से कम 10 सीट का नुकसान तो एनडीए को होगा ही होगा अगर विपक्ष थोड़ा गंभीरता से लड़े। याद रखिए कि यहाँ पे इनके साथ CPIML भी है जिसने कुछ इलाकों में बहुत अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा जनाधार है बिहार की। मैं बताता हूँ आपके लिए, आप ये जो मैप हम देख रहे हैं तो इसके कई इलाके हैं जहाँ पे CPIML का बहुत एक अपना अच्छा आधार है। ये देखिए जो भोजपुर का जो इलाका है, ये जो पूरा अपना इसमें सिवान आ गया जी, ये जो पूरा भोजपुर का भोजपुरी स्पीकिंग इलाका ये है बिहार का, और ये इसमें सिवान सारण भोजपुर बक्सर रोहतास और इधर गया भी आता होगा, गया तक गया है ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे CPIML का बहुत अच्छा काम है। तो इसलिए औरंगाबाद नवादा ये सब जो बक्सर सारण इलाके में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। सीटें भले ही कम है लेकिन इनके पास कैडर है, तो एक छोटे से कैडर वाली जो पार्टी है बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है। तो बिहार में CPI की तुलना में CPIM की तुलना में CPIML ज़्यादा माले ज़्यादा मजबूत है, वो कुछ कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गठबंधन नीतीश कुमार के पाला बदलने से नुकसान हुआ है, हालांकि मेरे बिहार के साथी बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, वो पलट के कहते हैं न जाने से फायदा ही हुआ है, पर वो शायद हो सकता है एक उत्साह भी, उत्साह में भाई किसी का 15-17% वोट अगर है तो भाई उसका कम भी हो जाएगा तो 10-9% वोट तो जीरो थोड़ी हो जाएगा, लेके गया है तो उससे नुकसान हुआ, इसमें मानने से कोई इसे गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन स्थिति वो नहीं है जो कि दिखाई जा रही है, और पिछले चुनाव जैसी स्थिति तो कतई नहीं। तो आपके हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में आप ये देखते हैं कि वही 11 सीटें लगभग 11 सीटें कम हो सकती है, कम से कम 11 सीट का नुकसान होना चाहिए अगर ये गंभीरता से चुनाव लड़े तो। ये बिहार भविष्यवाणी नहीं है केवल, मैं तो नहीं ठीक है, उसी कम संभावना, बिल्कुल बिल्कुल उसी पर, चूंकि वक्त कम है और वक्त कम नहीं मतलब आपका ज्यादा वक्त लिया इसलिए हम जल्दी जल्दी जंप करेंगे। अब महाराष्ट्र आता है, मैंने उन्हीं राज्यों को शुरू में लिया है जिन राज्यों को लेकर मोदी की चिंता है, जिन राज्यों में ज्यादा चुनौती है और जिन राज्यों में उलट फोयर की ज्यादा गुंजाइश है। तो अब महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र इसलिए कि महाराष्ट्र में मोदी जी ने बहुत उलटफेर किया, एक समय ऐसा हो गया कि 4 बजे सुबह 5 बजे सुबह गवर्नर ने शपथ दिला दी अजीत पवार के साथ और साझा सरकार में, अलग बात है कि उसके बाद बाहर होना पड़ा और सरकार नहीं बन सकी एक तरह से कहे, और लेकिन अजीत पवार फिर आखिर आए, सरकार कैसे बनी उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर दुनिया जानती है। लेकिन अब महाराष्ट्र की स्थिति को कैसे देखते हैं, क्योंकि वहाँ भी अभी पेचीदगी है सीटों को लेकर, थोड़ी उलझन है, प्रकाश अम्बेडकर पहले साथ आने वाले थे, अब वो अलग कुछ कर दिया, वो एक दिक्कत है। देखिए अभी इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है बिहार के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए क्योंकि शिवसेना के दो हिस्से हो चुके हैं, एक तो हमारी शिवसेना दो हिस्सों में गई है और NCP के दो हिस्से हो चुके हैं, और इसमें से किसको कितना मिलेगा, अभी तक के जो अनुमान लोगों के दिखा रहे हैं वो ये है कि शिवसेना का वोट का कम से कम 3/4 इस वोट का 3/4 उद्धव ठाकरे के पास है, क्योंकि जनता के बीच में मतलब 24% है, 3/4 लगभग 18% आप मानते हैं
कि उद्धव के पास है, ऐसा मोटा लोगों की समझ है, क्योंकि ये मैंने खुद भी देखा वहां, वहां बहुत गुस्सा है उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी हुई, गद्दारी शब्द लोग आपको बताते हैं, और एक जनता में उनके प्रति काफी सहानुभूति है। एनसीपी का इतना नहीं कि कोई तीन चौथाई है, लेकिन आधे से ज्यादा वोट अभी भी शरद पवार के पास है। अब इसमें एक एडिशनल फैक्टर है बीवीए, बहुजन विकास अघाड़ी, ये जो कि प्रकाश अम्बेडकर का पार्टी है, इसमें ना हमारे साथी प्रकाश अम्बेडकर जी का ये पार्टी है, उसकी तरफ से एक दिक्कत रही है, ये पहले भी नहीं थे कांग्रेस के साथ, लेकिन इस बार उम्मीद बनी थी, बॉम्बे में स्टेज पर भी आए थे, लेकिन उन्होंने कल घोषणा, क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर का एक असर है, ये जो विदर्भ का इलाका है, इसके जी यही पे दिखा देता हूँ, ये जो विदर्भ का इलाका है, देखिए मोटे तौर पर ये हमारा विदर्भ है पूरा, महाराष्ट्र में ये है हमारा विदर्भ, और इस विदर्भ के ये जो इलाके हैं यहाँ पे प्रकाश अंबेडकर का इस इलाके के अंदर असर है, काफी दलित पॉपुलेशन भी यहाँ है, प्रकाश अंबेडकर का काम भी है, अंबेडकर वाला जो वो है जमीन है वो अंबेडकर, अंबेडकराइट पॉलिटिक्स वाला, अंबेडकरवादी पॉलिटिक्स वाला, वो भी यहाँ ज्यादा वो किया था। अब प्रकाश अंबेडकर के साथ ना आने से जरूर जितना मजबूत लग रहा था इंडिया गठबंधन, अगर प्रकाश अंबेडकर साथ आते उससे जरूर कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन ये याद रखिए नुकसान सिर्फ इंडिया गठबंधन को नहीं है, नुकसान प्रकाश अंबेडकर को भी है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर पे उनके समर्थकों का भारी दबाव था कि आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर इस चुनाव में आप तीसरे खेमा लाते हुए दिखाई दिए तो कहीं ना कहीं मैसेज ये जाएगा कि आप अप्रत्यक्ष तरीके से बीजेपी का फायदा उठा रहे हैं, तो ये एक अफसोस की बात है। अब लेकिन मुझे लगता है वो रास्ता अलग हो गया, अब रास्ता उनका अलग हो गया है प्रकाश अंबेडकर का। आज की तारीख में देखिए बीजेपी को पिछली बार गठबंधन को 41 सीट थे महाराष्ट्र में, 41 सीट इनके पास आए थे, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए बीजेपी और शिवसेना के 41 सीट थे। आज की तारीख में मुझे कोई भी व्यक्ति 20-22 से ज्यादा की बात करते हुए दिखाई नहीं देता है, अब 20 होगा 22 होगा 25 होगा 27 होगा आप कह नहीं सकते, लेकिन कम अच्छा, से लेकिन कम, ये जो कह रहे हैं इसका आधार थोड़ा बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि 20-22 सीट, मतलब 23 सीट बीजेपी की थी और सेना की, दोनों मिला के देख लें तो एक 4 और 5 ही सीट अगर देखें तो विपक्ष के पास, जो आज का विपक्ष, 7 सीटें थी विपक्ष के पास, 4 एनसीपी, 1 कांग्रेस और हाँ 2 और होगा कोई, हाँ जी 2, 1 इंडिपेंडेंट, 18 रामदास अठावले, हाँ ठीक है, तो 18 और 23 ये सीट अगर बीजेपी सेना, यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि इनकी सीट कम होती देख रहे हैं तो इसका आधार क्या है? आधार दो है, एक तो ये कि ये जो गठबंधन बना है इसमें कांग्रेस का अपना वोट है, कांग्रेस के वोट के अलावा शिवसेना और एनसीपी दोनों का वोट है, और शिवसेना का वोट बढ़ा है, आप शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के प्रति जो सहानुभूति इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में है, इस वक्त उस गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा शरद पवार नहीं है, आज की तारीख में सबसे बड़ा चेहरा उद्धव ठाकरे हैं, और उन्होंने जिस जिम्मेवारी से कंडक्ट किया है सबको साथ जोड़ने का काम, उद्धव ठाकरे की आज क्षमता है कि महाराष्ट्र में उलटफेर कर सकते हैं। वैसे भी साधारण गणित जोड़ लीजिए ना, कांग्रेस का 16, ये जो बीजेपी के पास जो 27% वोट था उसके अलावा बीजेपी को सेना और एनसीपी का एक टुकड़ा मिला, इनका समझिए 6-7% मिल गया, इनका 6-7% मिल गया, 15 जुड़ा तो बीजेपी 40-42 पे है, मगर यहाँ देखिए 16 इनका कांग्रेस का, 18 अपना ये शिवसेना का, और 6-7 ये भी, तो दोनों इस वक्त बराबरी की स्थिति में है ना, बराबरी पे हैं अगर शुरुआती तौर पे देखें। अब उसके बाद ये है कि कौन किसके पक्ष में थोड़ी सी हवा हो, लहर हो, और यहाँ उद्धव ठाकरे का एक महत्व है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कांटे का जिन राज्यों पे कम से कम मेरी निगाह आखिरी दिन तक रहेगी वो महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में 10-15 सीट इधर से उधर जा सकती है, निर्भर करता है कि कितनी आप, इसी तरह बिहार भी, आपने अच्छा किया बिहार को लिया महाराष्ट्र को लिया, क्योंकि ये दो राज्य हैं जहां 25-30 फीट का हेरफेर हो, और जहां सबसे अधिक पॉलिटिकल अगर देखें तो सबसे अधिक उलटफेर मोदी जी ने भी किया है, सरकार गिराई, बल्कि महाराष्ट्र में तो 2 बार सरकार गिराने बनाने की कोशिश हुई और उसके बाद अजीत पवार को भी लाया, सब कुछ, कुछ भी ऐसा बचा नहीं जो उन्होंने नहीं किया, ईडी सीडी सबका इस्तेमाल हुआ,
सेम चीज बिहार में हर कुछ आज भी चल रहा है। शिवसेना ने बंबई का कैंडिडेट अनाउंस किया और तुरंत उसके ईडी पहुंच गए, ईडी पहुंच गए, अमोल समथिंग कुछ उनका नाम है। तो ऐसे ही दोनों राज्य हैं, तो दोनों राज्य एक तरह से संयोग और प्रयोग की गुंजाइश वाले राज्य हैं चुनावी नतीजों के हिसाब से देखें। अब लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ कि चुनाव में जब मोदी का चुनाव प्रचार शुरू होगा, जो कैंपेन अभी भी वो तो 365 दिन कैंपेन करते हैं, और उस कैंपेन को हिंदुत्व के नैरेटिव पर जिस तरह से मीडिया और सब पूरी मशीनरी काम करेगी, उसके बाद जो आपका अपना आकलन है, जो भी थेसिस या अपना आकलन है कि इनके पास कम चंक रह गया सेना के पास, ज़्यादा उद्धव ठाकरे के पास चला गया, एनसीपी में से ज़्यादा चंक अजीत पवार के पास, इसकी बुनियाद हिल सकती है अगर ये पहली बात तो ये कि ये सारे जो आंकड़े हैं मोदी जी के पिछली बार के प्रचार के बाद के आंकड़े हैं, पुलवामा के बाद के आंकड़े हैं ये सब, है ना। तो ऐसा नहीं कि पिछली बार मोदी जी एब्सेंट थे, इस बार प्रेजेंट हो गए। नहीं, पिछली बार तो काफी अच्छी स्ट्राइक रेट भी हो गई, वो हो गया था। मैं कह रहा हूँ इसमें जो इसमें टूट जो हुई है शिवसेना के अंदर, जो दो भाग हुए हम कह रहे हैं, इसके दो हिस्से हुए हैं, यहाँ एनसीपी के दो हिस्से हुए हैं, वो तो उसके बाद हुआ है ना। तो मोदी जी को तो मैं एक कॉन्स्टेंट फैक्टर मानता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई नया एलिमेंट आ रहा है चुनाव के अंदर। और दूसरा, हर राज्य का एक अपना मिजाज होता है। महाराष्ट्र की जनता को इस पर वोट देना है कि क्या जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार पलटी गई, क्या जनता उस पर मोहर लगाने को तैयार है। वो सवाल अगर सबसे बड़ा मुद्दा बनता है तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो एनडीए के विरुद्ध खड़ा होगा। और इसकी एक बहुत बड़ी संभावना है, आखिरी अभी तक खरीदा जा रहा है तमाम नेताओं को आखिरी दिन तक, तो एक खरीद फरोख्त की राजनीति पर महाराष्ट्र को अपना निर्णय सुनाना है। चलिए, तो अब देखेंगे कट शॉर्ट में, चूंकि बहुत बाकी है। पश्चिम बंगाल हम आ गए, पश्चिम बंगाल बहुत अहम, हालांकि योगेंद्र जी से हम लोग पिछले 6 महीने में कई बार इस तरह से राज्यवार बात कर रहे हैं और करेंगे जब तक कभी चुनाव पहले दौर का की शुरुआत नहीं होती। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक तरह से ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की 2019 में, 18 सीटें, और ऐसा लगा था कि विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी। और मोदी जी वहाँ की रैलियों में अगर दीदी वो दीदी कहते थे तो वो एकदम हर तरह के हथकंडे और हथियार बीजेपी ने इस्तेमाल किए, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 210 के आंकड़े को पार कर लिया विधानसभा में। अब बात आती है लोकसभा की, योगेंद्र जी, लोकसभा में अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो एक जो गुंजाइश थी कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर, हालांकि उसके बाद भी वोट तो ममता वर्सेस बीजेपी ही है, लेफ्ट ऑलरेडी बहुत मिनिमाइज हो चुका, कांग्रेस की बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं है, सिर्फ 2 सीटें पिछली बार भी जीती, लेकिन एक 5-6% वोट बुरी हालत में भी कांग्रेस को था। लेकिन अब ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया अकेले अपने दम पर 42। तो अब आज की स्थिति में पश्चिम बंगाल में आप क्या देखते हैं? पिछली बार आई थी 18 सीटें और 18 सीटों में बीजेपी का मुख्य जो इलाका है, मैं यहीं पे आपको दिखा दूं कि बीजेपी पूरे पश्चिम बंगाल की पार्टी उस तरह से अभी भी नहीं है। ये इलाका है जिसको उत्तर बंगाल कहा जाता है, ये मुर्शिदाबाद आ गया उसको आप निकाल दीजिए, आप यहाँ तक, ये जो मालदा दक्षिण दक्षिण दिनाजपुर में, दरअसल यहाँ तक हमें कहना चाहिए, कुछ उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, यहाँ पे बीजेपी की डोमिनेंस है। जब जब दो सीट भी जब बीजेपी की तो दार्जिलिंग मिल जाती थी। जी जी बिल्कुल। और ये जो इलाका है पश्चिम का, ये जो इलाका है पुरुलिया और ये सब बांकुरा वगैरह, ये दो इलाकों में मुख्यतः बीजेपी का जोर है। बाकी इसको ये जो मुख्य धारा जो पश्चिम बंगाल की है, जिसको दक्षिण बंगाल बोला जाता है वहां की भाषा में, उस दक्षिण बंगाल में ममता बनर्जी का डोमिनेंस है, इंक्लूडिंग कलकत्ता जिसकी काफी सारी सीटें यहाँ पे हैं। विधानसभा चुनाव के हिसाब से अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव में इन्होंने 16 सीट, बीजेपी की सीट अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो उसकी घटके 16 हो जाती है। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता तो मैं समझता हूँ 4 सीट का फायदा था, पूरे बंगाल की स्थिति नहीं बदलती लेकिन 4 सीट का फायदा ऑपोजिशन को हो सकता। लेफ्ट के साथ गठबंधन ना होना मेरे विचार से महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, क्योंकि दरअसल लेफ्ट का वोट ट्रांसफर नहीं होगा ममता बनर्जी को। तो अगर लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट और टीएमसी का ग्राउंड लेवल पर बहुत झगड़ा, बहुत सिर्फ झगड़ा नहीं है वो तो एकदम बैटल है, संघर्ष बैटल है, खूनी संघर्ष, इसलिए डू और डाई भी बहुत जगह है। तो वहां लेफ्ट का वोटर अगर लेफ्ट वहां ग्राउंड छोड़ दे तो वो वोट टीएमसी को नहीं जाएगा, उसका काफी सब बीजेपी को चला जाएगा, जो गया की विचित्र अपने आप में विचित्र, उत्तर दक्षिण सोच के लगता है लेकिन हुआ इसलिए लेफ्ट के साथ अलायंस ना होना इशू नहीं है।
कांग्रेस के साथ अलायंस ना होना एक छोटा इशू है जिससे चार सीट का नुकसान हुआ है, और लेकिन अभी भी मूल लड़ाई जैसा आपने कहा मूलतः ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी है, और इसमें ममता बनर्जी ने बहुत समझदारी से इसको एक क्षेत्रीय मुद्दा बनाया, बंगाल की अस्मिता का मुद्दा, वो विधानसभा में भी उन्होंने किया था कि बाहरी लोग आ रहे हैं, बाहरी, और उसका असर हो गया, उसका असर। तो वहाँ प्रश्न ये है कि ममता बनर्जी किस हद तक इस चुनाव को एक क्षेत्रीय चुनाव में बदलने में कामयाब होती है, अगर वो होती हैं तो इससे ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। और आज की स्थिति में भी देखिए, विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए तो बीजेपी के लिए अपनी 18 को रिपीट करना भी बहुत कठिन काम है, लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने काफ़ी लोगों को खरीद फरोख्त भी की है, और फिर बंगाल के अंदर वही सब होगा, वहाँ 7 फेज में चुनाव होगा, सेंट्रल पुलिस फोर्स भी लगाई जाएगी, इन सब का असर कितना होता है देखना होगा, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के लिए 18 को रिपीट कर सकना भी टेढ़ी खीर होगा। 18 को रिपीट करना टेढ़ी खीर होगा, उसमें काउंटर सवाल है कि 18 को रिपीट करना टेढ़ी खीर होगा, उसमें माइनस कुछ दिख रहा है क्या? एक दो सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? टेढ़ी खीर मतलब क्या, ऐसा हो सकता है? मैं सीटों का नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, क्या इतनी बड़ी चुनौती है कि बीजेपी पिछले से काफ़ी कम हो जाए, या बीजेपी 18, देखिए अगर 303 सीट बीजेपी की आई उसमें 18 का कंट्रीब्यूशन बंगाल से अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि बंगाल उसकी जमीन नहीं थी, दो सीट हर समय बंगाल से पिछले 3-4 चुनाव से दार्जिलिंग और एक आसनसोल जीते उसके बाद, तो वहां सीधे 18 हो गए, मतलब 16 का इजाफा हो गया, तो वहां आप कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? विधानसभा चुनाव के बाद और खासतौर पर पंचायत चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि ये तो बीजेपी डेसिमेट हो जाएगी बंगाल से, और उसके बाद जब कांग्रेस से गठबंधन की बात भी हुई तो फिर ऐसा महसूस होता था कि जैसे अब एक ये अलायंस एमर्ज कर रहा है, इस लिहाज से कांग्रेस और ममता बनर्जी का अलायंस ना होना एक सेटबैक है। फिर भी जमीन पर ममता बनर्जी टीएमसी की जो स्ट्रेंथ है, और जब बंगाल में हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो केवल वोटर की स्ट्रेंथ नहीं होती, वहाँ सब तरह की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया जाता है दुर्भाग्यवश, दोनों तरह से, और बीजेपी मनी पावर, मसल पावर सब होता है, और बीजेपी अपनी, बीजेपी के पास अगर मसल पावर की कमी है तो सीआरपीएफ पावर होती है और वहाँ वो सब इस्तेमाल होता है। तो आज की तारीख में बीजेपी को, आज से एक साल पहले आप पूछते तो मैं कहता ये तो इनको 10 का आंकड़ा क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा, वास्तव में जमीन पर स्थिति ये थी। आज चूंकि ममता बनर्जी अलग है और कांग्रेस के अलग होने से खासतौर पे वहाँ के मुस्लिम मतदाता में कन्फ्यूजन आएगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कन्फ्यूजन आएगा, वो देखते हुए मैं समझता हूँ कि 10 पे बीजेपी को रोकना आसान नहीं होगा टीएमसी के लिए, कर सकते हैं, लेकिन 18 क्रॉस करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। इसके बीच तो मतलब एक पीक आप देखते हैं, अगर देखें विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको लगता है कि हो सकता है बीजेपी 10 पर रह जाए, 10 के आसपास, अगर मतलब बीजेपी -8 हो सकती है। निश्चित टीएमसी को प्रयास करना चाहिए, ये अचीवेबल गोल है, बीजेपी को जीरो पे रिड्यूस कर देना शायद ना होगा, लेकिन ये अचीवेबल गोल है जिसमें बीजेपी को, जिसमें टीएमसी कोशिश कर सकती है। अगर टीएमसी कांग्रेस मिलके चलते तब तो 10 से नीचे आसानी से उतार सकते थे, लेकिन ये जरूर एक गोल है जिसपे उन्हें काम करना चाहिए। अब दूसरे पे हम आते हैं, उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या बच गया, कर्नाटक, झारखंड, लेकिन चूंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया इसलिए कर्नाटक झारखंड पे एक एक मिनट में बात, हाँ वो कर्नाटक पे आते हैं पहले। देखिए कर्नाटक का बड़ा साधारण मामला है कि अगर आप विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें बीजेपी की असली दिक्कत क्या रही है, हमारे साथ जो दर्शक इतना कर्नाटक को शायद ना देखते हो, ये कर्नाटक का इलाका है जिसको बोला जाता है मैसूर, ओल्ड मैसूर, ये कर्नाटक का इलाका है, ये हमारे वेस्टर्न यूपी जैसा इलाका है, और यहाँ बीजेपी बहुत कमज़ोर रही है। बीजेपी की जो स्ट्रेंथ रही है वो रही है ये इलाका जिसको हैदराबाद कर्नाटक बोला जाता है, और ये इलाका जिसे बॉम्बे कर्नाटक बोला जाता है, सॉरी उत्तर कन्नड़ा उसमें शामिल नहीं है, ये है कोस्टल जहाँ बीजेपी स्ट्रांग रही है, इस इलाके में बेहद कमज़ोर रही है, और उस कमजोरी को पूरा करने के लिए बीजेपी ने JDS का दामन थाम लिया, बिल्कुल वही मामला जैसे RLD और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, जिसके चलते बीजेपी की अब उपस्थिति सब जगह। लेकिन याद रखिए अगर विधानसभा चुनाव के हिसाब से हम देखें तो बीजेपी और JDS के गठबंधन के बावजूद सिर्फ विधानसभा आंकड़ों को देख लें तब भी 10 सीट जो हैं कर्नाटका के अंदर जो गठबंधन है उसको आज भी 10 सीट की स्थिति उसकी है, 18-10 अगर वो हो,
और अगर वहाँ सिद्धरमैया सरकार की जो पॉपुलैरिटी है उस सवाल को, क्या उसे वो कर्नाटका का सवाल बना सकते हैं? सवाल यही है, क्या सिद्धरमैया सरकार अपने जो उन्होंने गारंटीज दी हैं उन गारंटीज को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, क्या वो उन गारंटीज को सबसे बड़ा सवाल बना सकते हैं? तब वो 10 से पार भी जाएंगे। लेकिन याद रखिए, यहाँ बीजेपी के पास इस वक्त एनडीए के पास 28 में से 27 सीट उनके पास है, अकेले बीजेपी 25 अकेली बीजेपी और 2 उनका जो नया LI एक दिखा रहे हैं, एक उसको है और एक उनके समर्थित थे, तो उसने आया नहीं है क्योंकि उनके दरअसल 1+1 हम कह सकते हैं, यहाँ पे 2 थे उनके हाथ में। तो कुल मिला के बीजेपी के पास यहाँ पे 27 सीटों पे इस वक्त कब्जा है और कम से कम 10 सीट का नुकसान तो पहुंचाया ही जा सकता है, 15 से 20 की भी बात की जा सकती है, कम से कम 10 सीट का नुकसान यहाँ बीजेपी को, अगर गंभीर है, अगर 10 सीट का नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते बीजेपी, इसका को मतलब 10 सीट का नुकसान यहाँ आपको दिखता है, कम से कम किया जा सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना तो होना चाहिए, मतलब विधानसभा के परफॉर्मेंस को देखने के बाद। तो ये जो इंप्रेशन है कि बीजेपी और जेडीएस मिलके कुछ ऐसा असंभव कॉम्बिनेशन बन गया है कि आप चैलेंज ही नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तो आपको विधानसभा के आंकड़े दे रहा हूं, अगर जेडीएस अलग होता तब कांग्रेस को 18 सीट आने की गुंजाइश थी, लेकिन उसके बावजूद भी 10 सीट ऐसी हैं जिस पे कांग्रेस का आज भी दबदबा है, उसको केवल विधानसभा की परफॉर्मेंस रिपीट करनी है। तो बीजेपी यहां आपको दिखती है कि 10 सीट का नुकसान हो सकता है, हम इफ एंड बट में बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव के नतीजे हैं, कोई चुनाव के नतीजों का ऐलान नतीजों से 3 महीने पहले नहीं किया जा सकता। और मैं तो केवल ये कह रहा हूँ, अगर काम करें तो किया जा सकता है, मैं तो केवल संभावनाओं को देख रहा हूँ क्या हो सकता है। बिल्कुल। अब उसके बाद आते हैं, छोटा स्टेट है झारखंड, लेकिन छोटा स्टेट है लेकिन 14 में से बीजेपी को पिछली बार 11 सीटें मिली थी, तो एक तरह से बहुत ज़बरदस्त कामयाबी बीजेपी को झारखंड में मिली। उसके बाद वहाँ वो जो एक छोटी पार्टी थी JVM वो शामिल हो गई है बीजेपी के साथ, तो बीजेपी मजबूत हुई है उसके चलते, और मारांडी, बाबूलाल मारांडी की एक अच्छी छवि रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री रहे, बाद में उनका झगड़ा हुआ, अलग हो गए, लेकिन वो उस लिहाज से बीजेपी मजबूत हो गई थी। लेकिन दिल्ली की तरह सबसे बड़ा सवाल झारखंड में यही है, हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद मोदी जी कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम चुन लो मुख्यमंत्री अपना, मैं दिल्ली से तय करूंगा कौन बैठेगा। अब झारखंड की जनता को तय करना है कि वो उसे स्वीकार करते हैं कि नहीं, अगर करते हैं तो बहुत कुछ पलट सकता है, खासतौर पे जो आदिवासी बहुल्य सघन इलाका है वहाँ बहुत कुछ पलट सकता है, नहीं तो बीजेपी का अपर हैंड तो है ही है। तो सवाल यहाँ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उसके बाद से पैदा हुई राजनीतिक परिस्थिति का है, क्या ये सवाल झारखंड की जमीन पर सवाल बन सकता है? बनता है तो 4-5 सीट बीजेपी से छीनना असंभव नहीं होना चाहिए। सॉरी, मतलब यहाँ भी आप बोल रहे हैं, मैं थोड़ा एक अंदाज़ा, 4 माइनस मान लीजिए यहाँ हो सकता है कि 4 सीटों का नुकसान हो सकता है बीजेपी को, अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाए तो। अब जनता उसको उतना बड़ा मुद्दा मान के बीजेपी के खिलाफ वोट करे तो। जी जी, ठीक है। अब चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए संक्षिप्त में हम जल्दी जल्दी आते हैं। अब एक बड़ा स्टेट बचा हुआ है यूपी, और ये आपने देखा किन किन राज्यों की बात करें, ये सिर्फ संभावना पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, चूंकि मोदी जी की तरफ से 400 पार का आंकड़ा है या 400 पार के दावे हैं। तो अब एक यूपी, सबसे बड़ा सूबा, सबसे अधिक जिज्ञासा, सबसे अधिक सीटें, और वो पुराना मुहावरा कि दिल्ली की सत्ता यूपी से होकर, दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अब यूपी, और यही पेचीदगी है, लेकिन यही बीजेपी का राम मंदिर भी है, यही बीजेपी को सबसे अधिक सीटें भी मिली, और यही बीजेपी को सबसे अधिक फिर उम्मीद है, बल्कि बीजेपी के कुछ नेताओं को ये लगता है योगेंद्र जी कि 2014 के रिजल्ट को दोहराएंगे। अब 2014 में क्या था, 71+2 73, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम तो फिर 2014 की स्थिति में पहुंच सकते हैं, बहुत सारे बीजेपी के नेता दावा करते हैं, जो 19 में उनकी सीटें कम हो गई। कम क्यों हो गई, क्योंकि मायावती और सपा साथ लड़ गए, तो लगभग 38-40% के वोट से टेक ऑफ हुआ। तो अब यहाँ क्या दिखता है आपको, आज की स्थिति में सपा कांग्रेस का गठबंधन है, RLD खिसक कर बीजेपी के साथ गया, एक बड़ा बदलाव हुआ यूपी में, BSP तीसरे कोण की तरह अलग है, तो ये स्थिति है। उत्तर प्रदेश विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता,
और वो चुनौती गहरी हुई है आरएलडी के साथ जाने के बाद। अन्यथा ये जो पूरा इलाका हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, ये इलाका था जहाँ की, ये देखिए जो पूरा हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा इलाका है, समझिए सहारनपुर भी उसमें ये जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका है, यहाँ आरएलडी का बहुत अच्छा असर है। इनफैक्ट इसको आप थोड़ा सा और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इस पूरे इलाके में आरएलडी का एक अच्छा असर है। तो आरएलडी के जाने से बीजेपी को फायदा, बल्कि यहाँ तक भी है, थोड़ा बहुत आगरा में भी, आगरा तक भी है, बिल्कुल होता है। जी जी जी, तो इससे यूपी को, तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश एक चैलेंज है। चैलेंज दो कारणों से गहरा हुआ है, एक तो आरएलडी शामिल हुई है, दूसरा बीएसपी जो कि पिछली बार गठबंधन में थी गठबंधन में नहीं है, और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से बीजेपी के साथ गठबंधन में है, क्योंकि हर जगह मुसलमान कैंडिडेट किन्हें दे रहे हैं आप देखिए तो हो क्या रहा है। बीजेपी चुन चुन के जहां जहां विपक्ष को मुस्लिम वोट मिल सकता है वहां बीएसपी चुन चुन के मुस्लिम कैंडिडेट दे रही है, तो इससे तो इशारा यही लगता है। आजमगढ़ में यही तो हुआ था, गुड्डू जमाली बीएसपी से चुनाव लड़े और धर्मेंद्र यादव उपचुनाव हार गए। ये अलग बात है, गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी इस बार अपने साथ ले आई, लेकिन हाँ अभी जो लिस्ट आ रही है जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाला 25 30 35 40 फीसदी वाले इलाके हैं वो चुन चुन कर मुस्लिम कैंडिडेट है। बट बीएसपी के लोग कहेंगे भाई हम तो अपनी अपने हिसाब से अपने टिकट बांटेंगे अपनी जीत के लिए, आप क्यों मान रहे हैं कि हम बीजेपी के की मदद के लिए। अगर अपने हिसाब से वोट सीट दें, अपनी जीत के लिए दें, जो पूरा उनका अधिकार है और बहुत स्वाभाविक भी है, तब ऐसा नहीं होगा कि हर सीट में वही कैंडिडेट आए जो बीजेपी को सूट करता हो। और आप देखिए इसका जो जो बता रहे हैं, जो स्थानीय लोग बेहतर समझते हैं, वो सब बता रहे हैं कि चुन चुन के वो कैंडिडेट दिए जाते हैं जो कि बीजेपी को सूट करते हैं, जिससे एक चैलेंज बढ़ता है। तो बीजेपी का चैलेंज, उत्तर प्रदेश का चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। उसके सामने आप सिर्फ दो तीन चीज़ रख सकते हैं, और ये तो जरूर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का अलायंस है, कांग्रेस का वो अलायंस अच्छा चल रहा है, उस अलायंस में उस तरह की गड़बड़ी नहीं है जो कि बाकी जगह खींचतान है, अलायंस अच्छा है, लेकिन क्या वो अलायंस पर्याप्त है? उस अलायंस को जीतने के लिए कोई तीसरी पार्टी तो बड़ी नहीं जोड़ पाए हैं, लेकिन अंततः बीएसपी का जो वोटर बीएसपी को छोड़ के जा रहा है, वो टेबल अगर आप दोबारा दिखाएं तो वो जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर जो है वो है जो वोटर बीएसपी को छोड़ के जा रहा है, प्रतिशत ज्यादा। ये जो बीएसपी का 19% वोट है जो कि विधानसभा चुनाव में घट के 13 पे हो गया था, इसमें समझ लीजिए कम से कम 9% वोट तो जाएगा। अब वो वोट कहाँ जाएगा ये सवाल है। कांग्रेस और सपा को यदि सफल होना है तो उन्हें इस वोटर को पकड़ना होगा। और दूसरा, जो विधानसभा चुनाव में और इस सब में जो सपा की छवि बनी है कि ले दे के दो समुदायों की पार्टी है ना, उस छवि से बाहर कैसे निकले सपा अपने कैंडिडेट के सिलेक्शन में, अपने पॉलिटिकल कैंपेन में, और क्या कांग्रेस का उसके साथ जुड़ना इसको मदद कर सकेगा? तो उत्तर प्रदेश की जो एक चुनौती है, जहां बीजेपी सोच रही होगी कि हम बढ़ाएंगे, अपोजिशन का टारगेट ये होगा कि पिछली बार की तुलना में कम से कम 2 सीट तो बीजेपी के घटाइए। बीजेपी को 55-60 सीट पे रोक सकना अपोजिशन के लिए एक बड़ा टारगेट है आज की तारीख में, है ना, क्योंकि उसमें एडवांटेज है बीजेपी को, ये मानने में कोई आज की तारीख में किसी को वो नहीं सकता। लेकिन उसे और सामाजिक समीकरण का फायदा कैसे उठाया जाए? बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो लोअर ओबीसी को अपने साथ किया है उसको जोड़ने का क्या तरीका निकाला जा सकता है? तो इस तरह की तमाम चुनौतियां भी रहेंगी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी जरूर कहेगी 70-72, खैर कहने में तो किसी का क्या जाता है, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से टारगेट रहेगा उसको कम करने का। तो आज की तारीख में अगर ऑपोजिशन बीजेपी को जहां थी वहां रोक भी लेता है तब भी याद रखिए, तो भी आप मानेंगे कि उसकी सफलता, इसलिए कि 10 सीट तो इसकी थी बीएसपी की, ये 10 सीट कहाँ जाएगी ये बहुत अहम है। सीट से ज्यादा वोट का देखिए पिछली बार वोट भी है बीएसपी को, सपा बीएसपी ने वो सारी सीटें झटक ली थी जो जीतने वाली थी, और हारने वाली सीट सपा सही है, लेकिन नंबर तो 10 चला ही गया बीजेपी या गठबंधन से मतलब बाहर देखे तो 10 सीट। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर पूरे देश का नक्शा फिर याद कीजिए, अगर उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीट बढ़ाने, अगर अपनी सीट बढ़ाने में कामयाब नहीं होती बीजेपी, उसको भरपाई करने की कोई जगह नहीं।
हाँ, उस पर आएंगे हम क्लोजिंग करने से पहले। अब एक सवाल होता है योगेन जी कि यूपी में रायबरेली और अमेठी है, दशकों पुराना गांधी नेहरू परिवार की जमीन, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सारी रायबरेली और अमेठी पर ही तो ताकत लगी। बीच में इंदिरा गांधी चिकमगलूर से लड़ने अलग चली गई या बेल्लारी से लड़ने सोनिया गांधी, लेकिन जमीन तो उनकी है दशकों से, फिरोज गांधी के जमाने से। अब वहाँ रायबरेली से अभी तक कैंडिडेचर का पता नहीं, अमेठी से पता नहीं कि राहुल गांधी इस बार लड़ेंगे कि नहीं, पिछली बार 55,000 से हारे तो उस झटके को फिर रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं। तो ये जो द्वंद है, ये मैसेज तो जनता में कहीं जा रहा होगा कि भाई ये क्या डर है या चिंता है या चुनौती नहीं लेने की कोई वजह है कि आप नहीं तो पहले ही डंके की चोट पर कह देते कि भाई प्रियंका गांधी लड़ेंगी या राहुल गांधी लड़ेंगे या क्या होगा। भाई जनता इसको डर की तरह क्यों ना देखे, डर या चुनौती चैलेंज जो भी कहें इसको, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पता नहीं कितने लोगों के मुंह से मैंने बात उत्तर प्रदेश में सुनी होगी कि अगर गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति इस बार नहीं लड़ता, सोनिया जी तो राज्यसभा में चली गई हैं, अगर गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ता तो कम से कम स्थानीय स्तर पे इसे ऐसा देखा जाएगा, और परसेप्शन का बड़ा खेल होता है पॉलिटिक्स में, देखा जाएगा कि भाई अब तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में उम्मीद ही छोड़ दी है, और देखा जाने की पर्याप्त वजह है क्योंकि सोनिया गांधी पे मान ले स्वास्थ्य वजह है, उम्र हो गई तो राज्यसभा में आ गई, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अगर नहीं लड़ती हैं और उसका केवल अल्पकालिक नहीं उसका दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है कांग्रेस को, अगर वहां पे ये संदेश जाता है कि गांधी परिवार ने एक तरह से जो कि इस वक्त कांग्रेस के शीर्ष पे है, अगर उसने अपनी उम्मीद उत्तर प्रदेश से छोड़ दी है, और ये कि देखिए जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव होगा उत्तर प्रदेश तो उसका हिस्सा बनेगा, आज आप पीछे हैं और आज चुनौती है विपक्ष को, चुनौती है इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ऐसे संघर्ष में देखा यही जाता है कि कौन विपरीत हालात में भी लड़ा, और इसलिए बेहद जरूरी है कि वो लड़ते हुए दिखाई दें। और ये बात अखिलेश पे भी लागू होती है कि वो लड़ते हुए दिखाई दें, लड़ें अच्छी तरह से, जिस तरह से तेजस्वी की एक खबर आती है, कम से कम खबरें उस तरह से अखिलेश के बारे में नहीं आ रही हैं कि उस तरह से आप लड़ रहे हैं, वो लड़ते हैं अखिलेश जम के अगर लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में बदलाव की गुंजाइश बन सकती है। तो हो गया ना, एक बात तो आप जो कह रहे हैं उससे बिटवीन द लाइन्स इन्फ्रेंस ड्रॉ कर, बल्कि डायरेक्ट ही आप बोल रहे हैं कि जिस तरह से लड़ते हुए विपक्ष को या गठबंधन को दिखना चाहिए, कांग्रेस और सपा गठबंधन आज मान लें, तो वो लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। इम्प्रेशन देखिए अभी कुछ और हफ्ते बाकी हैं, उत्तर प्रदेश में तो 7 फेज में चुनाव होगा, अभी तो केवल वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जा रहा है, लेकिन ये एक चैलेंज है परसेप्शन की जो कि इनको पूरा करनी पड़ेगी, जिसका काउंटर करना पड़ेगा कि दिखाई दे ऐसा कि ये लड़ रहे हैं, जम के लड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत गुंजाइश है। आज हो सकता है बीजेपी की डोमिनेंस, और उसके पीछे तमाम गुंडागर्दी भी है, तमाम पैसे का खेल भी है, तमाम जातियों के समीकरण भी हैं, लेकिन ये तो पलटेगा ना, आप लड़ते हुए तो दिखाई दें। तो अमेठी और रायबरेली को अगर छोड़ते हैं, अगर अभी पता नहीं कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं, तो कोई भी लेमैन कॉमन मैन यही कहेगा कि छोड़ दिया अमेठी रायबरेली को, जहां से 3 पीढ़ियां चुनाव लड़ रही थी, ऐसा इंप्रेशन बनेगा, और इस इंप्रेशन को काउंटर करना बहुत जरूरी है। अब वापस लौटते हैं ओवरऑल, चूंकि वीडियो लंबा हो गया, अब उसी नक्शे पर जहां से हमने शुरुआत की थी, लोकसभा चुनाव में क्या होगा। अब यहां जो तस्वीर आपने अब तक इस पूरे विश्लेषण में बताई, उसमें अलग अलग राज्यवार जो आपने बताया बंगाल से लेकर अलग अलग राज्य में, उसमें लगभग 35-40 सीटें, अगर मैं रिकॉल करूँ सारे नंबर्स, 35-40 सीटों का आप नुकसान देखते हैं, लगभग 40 के आसपास 35-40 सीट का नुकसान किया जा सकता है यदि विपक्ष कायदे से लड़े, इसको मोदी बनाम मुद्दा बनाए तो ये बिल्कुल, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, उस भविष्यवाणी के खेल में मेरे को एक रत्ती भर आजकल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो सिर्फ संभव क्या संभव है और रियलिस्टिकली क्या संभव है आने वाले कुछ हफ्तों में, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, लिख के भी कह चुका हूँ, रियलिस्टिकली बीजेपी को आज भी 272 से नीचे रोका जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है जो रियल सवाल है, और जो बड़े 5 गारंटीज की बात है, अगर उसमें से कुछ भी इंडिया अलायंस भी मान ले, तो एक नेगेटिव अटैक इलेक्टोरल बॉन्ड, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, अडानी, और दूसरी तरफ पॉजिटिव 5 चीज, अगर इस पे जान लगा के विपक्ष काम करे आज भी ये असंभव नहीं है। कठिन है, कठिन केवल इसलिए नहीं है कि मुद्दे सही नहीं है, मुद्दे तो बिल्कुल सही है,
कठिन इसलिए है कि यहाँ ईडी का खेल होगा, यहाँ आईटी का खेल होगा, सीबीआई खेल खेलेगी, या उनके पैसा भी फ्रीज किया जाएगा, तमाम विपरीत स्थिति में लू चल रही है, इस लू के अंदर आपको खड़ा होकर चलना है। लेकिन अब राजनीति तो यही स्थिति है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में भी कहा, ये कोई चुनाव वाला चुनाव नहीं है जिसके अंदर केवल जनमत लोकप्रियता के आधार पर चुनाव होगा, ऐसा तो होगा नहीं। ये तो बिल्कुल खुला खेल है जिसमें हर तरह के फाउल मींस का इस्तेमाल किया जाएगा, और अभी तो ईवीएम की हमने चर्चा भी नहीं की है, सब खेल खेले जाएंगे। उसके बीच में अगर विपक्ष जान लगा के लड़े तो आज भी ये जनाधार है कि बीजेपी की अपनी 30 सीट आप कम कर सकते हैं, यानी कि उनको 273 से नीचे ला सकते हैं, और एनडीए की आप 50 सीट कम कर सकते हैं। अब क्लोज करने से पहले काउंटर सवाल, ये पिछले इंटरव्यू में भी आपसे मैंने पूछा था कि इसका मतलब अब लड़ाई ये रह गई कि बीजेपी को कैसे 272 के नीचे रोकें, अब लड़ाई ये नहीं है कि ये गठबंधन कैसे सत्ता में आने जैसी स्थिति में बने या मोदी को हटाने जैसी स्थिति में बने, 272 से नीचे, ये शायद मैंने सेम चीज मैंने पूछा था, फिर पूछो, अब लड़ाई सिर्फ यही रह गई। इसमें सबसे बड़ा सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड का है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल किसी तरह से नीचे पहुंच जाए, अगर इस देश की टीवी चैनल जितनी बेईमान है उससे आधी भी बेईमान कम होती, और अगर ये मुद्दा पहुंचता, या किसी तरह से, याद रखिए जनता पार्टी के ज़माने में क्या हुआ था, याद रखिए वीपी सिंह के ज़माने में क्या हुआ था, ये जो सवाल एक बार अगर इस देश की जनता के मन में आ जाए, फिर ये बिजली के करंट की तरह चलता है। अगर वैसा कुछ हो जाए अगर तब अब तो पलट सकता अब अगर का कहाँ बचा योगेंद्र जी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा आए हुए एक सप्ताह ही हुआ है, कितना देश में नीचे, क्योंकि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का ये कांड है, ऐसा कांड जिसका सब कुछ सामने है, सब कुछ प्रमाण साथ में है, दूध का दूध पानी का, कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं, कोई प्रमाण लाने की जरूरत नहीं, सब प्रमाण टेबल पे पड़े हैं, बस अब आपको पकी पकाई चीज को सामने वाले तक पहुंचाना है। अगर ऐसा कुछ होता है तब तो ये सारे समीकरण ध्वस्त हो सकते हैं। ये तो आज की तारीख में जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि जो गिवन खेल चल रहा है पॉलिटिक्स का, उसमें क्या संभावना है, रियलिस्टिक हम देखते हैं। लेकिन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल पहुंचता है, अगर इन सवालों को गंभीरता, और अगर कांग्रेस अपनी 5 गारंटी अगर अपने कार्यकर्ता तक पहुंचा दे, तो ये काफ़ी स्थितियां बदल सकती हैं। जैसे मैंने कहा, मुझे भविष्यवाणी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे केवल इसमें इंटरेस्ट है कि क्या संभव है, क्या किया जा सकता है। अगर वैसा होता है सब खेल पलट सकता है, लेकिन नहीं तो फिर हम सामान्य राजनीति और टीवी के द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं उसके बंधन में खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आपने इतना वक्त दिया। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी चुनाव के बीच, आपको दर्शक को लगेगा रिपीट वही बातें पूछी जा रही है, वही अनुमान कयास, वही स्थितियाँ, वही मुद्दे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, आपको मुझसे ज़्यादा तजुर्बा होगा, कि चुनाव के ठीक 2-4 दिन पहले कुछ अचानक इतना बड़ा इशू बनता है कि वो सारे मुद्दों पर हावी हो जाता है। हाँ, तो इशू तो बन चुका है, बस उसको पहुंचने की पहुंचने का। तो आखिरी दौर में गुंजाइश बहुत बाकी होती है, और कई बार चुनाव में 3 दिन पहले कुछ ऐसी स्थिति होती, अगर जैसे बिहार चुनाव, अगर मुझे याद है, स्टेट चुनाव ही था, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि 2015 के चुनाव में अमित शाह का एक बयान, मोहन भागवत का एक बयान आरक्षण वाला जो कुछ कहा, और लालू यादव लेकर बैठ गए और अचानक नीचे तक डाउन द लाइन चला गया। तो कई बार ऐसे मुद्दे कुछ हो सकते हैं जो मोदी के गले की फांस या गले की हड्डी बने, लेकिन आज की स्थिति में वक्त कम है, वक्त कम है, तो विपक्ष को जितनी मेहनत करने की जरूरत है उसके लिए 24/7 भी कम है अगर वो दिन रात जुटे तो। बहुत चुनौती है, चूंकि मीडिया ईमानदार नहीं है, चूंकि सरकार हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल कर रही है, ऐसे में मीडिया ईमानदार नहीं, मीडिया पूरी तरह मोदी परस्त है, मीडिया मोदी परस्त है, ईमानदारी से खबर नहीं दिखाएगा, पूरा सरकारी तंत्र जुटा हुआ है, इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह की ईमानदारी की भूमिका अदा करने को तैयार नहीं है, ऐसे में आपको इसे जनता का चुनाव बनाना होगा। अगर जनता का चुनाव बन जाता है फिर सारी समीकरण ध्वस्त हो जाती है, नहीं तो जो स्थिति है वो है। हाँ, लेकिन जनता का चुनाव बनाना होगा, इसके लिए वक्त बहुत कम है, तो देखते हैं क्या होता है, जनता तय करेगी, ऐसे भी जनादेश तो जनता ही देती है और उसके आधार पर
4 जून को दोपहर 11-12 बजते बजते नई सरकार बनेगी। फिलहाल बहुत कुछ होना है। योगेंद्र जी, आप इतनी दूर से यहाँ आए और हमारे इस स्मार्ट बोर्ड पर कुछ समझने समझाने की कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों को। नमस्कार, मुलाकात होती रहेगी।